दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। मैंने आपसे एक कमिटमेंट किया था करीब 20-25 दिन पहले कि हम आपको नीट के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन टॉपिक वाइज बना के भेजेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो फिजिक्स के 15 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए, जिसमें 12 लेक्चर मेरे थे, 3 लेक्चर हमारे साथी नवीन सियाग सर ने अपलोड किए। इसी तरह से केमिस्ट्री में फिजिकल का सारा हमारे विनय यादव सर ने अपलोड किए हैं, इनऑर्गेनिक का मनीष डूडी सर ने अपलोड किए हैं, जो आज अपलोड हो चुके हैं। आज का मतलब 30 अप्रैल 2020 को, ठीक है डियर। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपलोडिंग आपके पास अगले 2 दिन में आ जाएगी। आरसी सर ने ऑलमोस्ट शूटिंग कर दी है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के नीट 2013 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध करा चुके हैं, जो आप सब जानते हो clclive.in के पेज पे अपना पड़ा है। और बाकी सीएलसी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहाँ सबकी फाइलें मैं उनकी अब तक भेज चुका हूँ। फिर मैंने एक आपसे वादा किया था कि भाई अपने फिजिक्स पंच के नाम पे 25 टेस्ट हुए थे, जिसका पहला टेस्ट हुआ था 25 जुलाई को। इस बार जुलाई अगस्त में कुछ रिपीटर बच्चे आए थे, उनका वो सब जुलाई अगस्त में पढ़ाई का फ्लो नहीं बनता है, तो आप हमारे कुछ फिजिक्स के टेस्ट करवा दो। यहाँ तो बच्चों के सुझाव विचार से सारी व्यवस्थाएँ होती हैं, क्योंकि बच्चों को ही तो काम तो बच्चे के लिए करना है ना। तो हमने 25 जुलाई से लेकर आई थिंक ये 25 टेस्ट हमने करवाए थे, जो अगस्त के लास्ट तक पूरे हो गए थे। उसमें क्या किया था हमने, फिजिक्स के 20 टॉपिक बनाए, तो 20 तो टेस्ट कराए टॉपिक वाइज, और बीच में 5 कराए माइनर, यानी हर चार या पाँच टेस्ट के बाद एक आपका मेजर हुआ था, ठीक है डियर। तो मैं आप ये टॉपिक वाइज हैं, तो ये मेरे सामने 25 जुलाई 2019 को जो फिजिक्स पंच हुआ था, जिसका पहला पेपर था, वहाँ दोस्तों क्वेश्चन थे एक्चुअल में 60, क्योंकि उसमें 45 तो थे नीट मतलब MCQ और 15 क्वेश्चन थे असेशन रीजन वाले, पर एम्स हट गए आप, तो वो 15 क्वेश्चन वहाँ से हमने हटा दिए। फिर कितने बचे, 45 में 3 क्वेश्चन इतने लेंदी थे, उनको रिमूव कर दिया मैंने, क्योंकि नीट का एक लेवल होता है, उनका कोई मतलब, उनको रिप्लेस कर दिया मैंने। तो ये 42 क्वेश्चन रखे हमने, ये 42 क्वेश्चन है। टॉपिक दोस्तों ये है आपका यूनिट, डायमेंशन, सिग्निफिकेंट एरर और वेक्टर, सार्थक अंक, सदिश पे, एरर यूनिट पे, डायमेंशन पे, वेक्टर पे, इस पे ये। तो 3 हटाने के बाद कितने क्वेश्चन बचे, 42। तो ये 42 क्वेश्चन है जो मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से शूट करके समझाने हैं, उसके आसपास अपन थोड़ी बात और भी कर लेंगे, ठीक है डियर। तो मैं फिर से कह दूं, 20 टॉपिक हम लोगों ने फिजिक्स के बनाए हैं, फिजिक्स पंच के नाम पे इसको दिया है। ये टेस्ट पढ़े हमारे, ये जो 25 के 20 तो हैं शेड्यूल के और 5 हैं मेजर, ये 25 के 25 पेपर clclive.in पे फिजिक्स पंच के नाम पे पड़े हैं। लेकिन फिर से बोलता हूँ, अब सॉल्यूशन जो हम करेंगे तो उसमें AR कथन और कारण असर्शन रीजन का सॉल्यूशन नहीं करेंगे, और कुछ अनवांटेड क्वेश्चन जो बहुत लेंदी हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। जैसे इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको टीचर को करने में 1.5 पेज भर जाता है, 4 मिनट लग जाते हैं, वो क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में नहीं आते। तो मैं पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ, ओके डियर। ये टेस्ट हुआ था 25 जुलाई 2019 को आपकी सीएलसी में, हमारे रिपीटर्स बैच के बच्चों के लिए, जो मार्जिन केस पे आके जुलाई में जिनका समय का सदुपयोग हम लोगों ने किया था, आए डियर शुरू करें। ओके देखो, ए पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन सच ए दैट टाइम टी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाई इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी द पार्टिकल फॉलोज, वो कहता है इसका पथ क्या है। तो देखो पहले कॉमन सेंस की बात है, एक्स साइन पे है, वाई कोस पे है। आप जानते हो दोस्तों साइन और कोस के बीच हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, सब जानते हैं ना, कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, याद है क्या। देखो हेलो इधर आओ, ये कर्व किसका होता है, साइन का, और ये कर्व किसका होता है, कोस का, याद है ना, ये साइन का है, कोस का है, कोस हमेशा साइन से 90 डिग्री आगे है। 90 डिग्री आगे की बात करूं, मैं फिजिक्स में नहीं आ रहा, पहले सिंपल फंडे पे आ रहा हूं, कोई एक चीज यहां है तो 90 यहाँ होगी, यहाँ है तो 90 यहाँ होगी, यहाँ है तो 90 यहाँ होगी। ये ले भैया, ये क्या बन गया, वर्त बन गया, इसका पथ क्या हो गया, वर्ताकार। ये लो जी, ये अपने ट्रिक हो गई। रियल में थोड़ा सॉल्यूशन भी कर दूँ आपको, क्या होता है, आप बायो के स्टूडेंट हो, मेडिकल के बच्चे जानते हैं इससे, वर्त की रेडियस a हो तो दोस्तों सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब अपन इसको यदि सोल्व करें तो आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं, आ जाओ जी। आप खुद कह रहे हो x इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा t, y इक्वल टू क्या है डियर, a कोस ओमेगा t। आ जाओ भैया, ये x अपॉन a इक्वल टू क्या आएगा, साइन ओमेगा t, ये y अपॉन a इक्वल टू क्या आएगा डियर, कोस ओमेगा t। आप दोस्तों ऐसा करें, ये इक्वेशन नंबर 1,
ये इक्वेशन नंबर टू। आप ऐसा करें, एक का स्क्वायर करें, दो का स्क्वायर करें, दोनों को ऐड कर दें। लो जी, एक का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या है डियर, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, अब इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को दोस्तों आप ऐड करोगे तो लो थोड़ा सा बोर्ड को मैं साफ कर दूं आपके लिए, तो ये तेरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देख उधर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, क्या बन गया, वन। बस तो ये क्या बन गया तेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपकी मैथमेटिक्स हो गई दोस्तों। नहीं तो सिंपल, एक साइन में है, कोस में है, तो आपका पथ क्या होगा, वर्ताकार। ट्रिक भी है और आपका पूरा सॉल्यूशन भी। ओके, थैंक यू। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर दो आओ पढ़ो। क्या क्वेश्चन कहता है, वो कहता है इफ ए फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल टू ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दोस्तों साफ कहता कि कोई वस्तु है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, उस पर किसी थीटा एंगल पे कोण लगा देते हैं, तो उस पर इस प्रकार के चार ऑब्जेक्ट हैं, वस्तु बल की दिशा में गति करेगी, वस्तु अपने प्रारंभिक दिशा से गति जारी रखती है, वस्तु बल प्रारंभिक गति दिशा भिन्न भिन्न दिशा में होगी, या वस्तु बल प्रारंभिक गति की दिशा से भिन्न दिशा में गति करेगी और दिशा भी समय के साथ परिवर्तनशील हो, इस तरह की भाषा बनती है। पेज खाली करें भाई। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है, ये माना कि कोई एक बॉडी है जो इस रास्ते पर मूव कर रही है, इस पर आप ऐसे कोई एक फोर्स लगा दिया, ये लो जी थीटा एंगल पे, ठीक है ना, आपने थीटा एंगल फोर्स लगा दिया। दोस्तों आप जानते हो फोर्स लगते एफ इक्वल टू क्या होगा, एम ए, तो ए क्या हो जाएगा भैया, एफ बाई एम। ये वस्तु में एक्सेलरेशन आ गया। अब अपन जानते हैं कि टी समय बाद इसकी स्थिति क्या होगी, तो अपन जानते हैं तो क्या है, टी इक्वल टू जीरो है, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, वी प्लस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके डियर, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए क्या है, एफ एम टी। तो हमसे अगला क्या पूछ रहा है, वापस क्वेश्चन माना एक बार, अगला हमसे पूछ रहा है ना कि आरोपित किया जाए तो क्या हो जाएगा, बल लगेगा तो दोस्तों त्वरण होगा, त्वरण होगा तो वेग चेंज होगा। तो आप खुद देखें, ये फॉर्मूला मैं यहां द्वारा लिख दूं आपके लिए, v इक्वल टू यू प्लस एफ एम टी। यू तो निश्चित स्थिति है, वो निश्चित है। अब आप देखो दोस्तों, थोड़ा सा कलर चेंज करें पेन का, तो आप देखो v जो है वो f के साथ भी है, m के साथ भी है और t के साथ भी, यानी v F से भी चेंज हो रहा है, M से भी चेंज हो रहा है और T से भी चेंज हो रहा है, बट M तो बॉडी का मास है, चेंज होगा नहीं। तो आप देखें, द बॉडी मूव इन ए डायरेक्शन अदर देन दैट ऑफ फोर्स एंड इनिशियल मोशन विच वेरी विथ टाइम। दोस्तों वस्तु बल तथा प्रारंभिक गति की दिशा से दिशा भिन्न होगी इसकी, वो दिशा हो नहीं सकती, गति करेगी, और सबसे बड़ी बात है ये समय पर भी, ये समय के साथ परिवर्तनशील भी होगी। तो बड़ा थ्योरी का ठीक सा क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होते हैं, आदमी एक बार देख के कर लेता है तो इसमें दिक्कत नहीं होती है। फोर्स लगा दिया, ए निकाल लिया, ए निकाल के उसमें अप्लाई कर दिया। ओके डियर, थैंक यू। आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री, ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन हैज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एज दिस, वेयर यू इज मीटर पर सेकेंड, एस इज इन मीटर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो डियर, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब प्रारंभ, और प्रारंभ पे दोस्तों एस हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, क्यों, जहां से प्रारंभ होते हो, जहां से स्टार्ट होते हो, वहीं से डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है, वो जीरो हो गया, बस कुछ नहीं करना दोस्तों, उसकी वैल्यू जीरो पुट कर दो, ये आपके सामने वन प्लस जीरो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। यू इक्वल टू फोर मीटर पर सेकेंड, यू इक्वल टू फोर मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर फोर, ये वेक्टर का एक अच्छा क्वेश्चन है, मेडिकल में आ सकता है। इसके करने के दो तरीके हैं, एक तो अपन ट्रायंगल का रूल लगाएंगे, पर ट्रायंगल के रूल से क्या बनता है, एक याद है समानांतर चतुर्भुज का नियम बनता है, पैरेलोग्राम थ्योरम बनती है, वो किससे बनती है एक्चुअली, उसमें दो त्रिभुज होते हैं, दो ट्रायंगल होते हैं, तो इसको मैं देखो सिंपली आप एक देख रहे हो, तो ये कहता है कि डी मिड पॉइंट है, तो जो बी डी है, ये पहली बात तो ये है कि बी डी वेक्टर डी सी वेक्टर के इक्वल है, तो अपन इसको ऐसे डायरेक्शन ले लें कि इसकी डायरेक्शन मान लो इधर ऐसे, ये बी सी को वेक्टर है, तो इधर भी ऐसे रहेगा, इधर भी ऐसा रहेगा। अब आ जाओ जी, ठीक है डियर, तो सबसे पहले अपन बात करें ट्रायंगल ए बी डी की, किसकी बात करें, ए बी डी की, तो आप खुद कहेंगे क्या आएगा डियर, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इक्वल टू ए डी वेक्टर। और दोस्तों दूसरा ट्रायंगल अपन लें ए डी सी, तो वहां देखो क्या काम आएगा, ए डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या आएगा, ए सी वेक्टर।
अब आप ऐसा करो, बी डी और डी सी को निकाल लो। बी डी और डी सी दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां से देखो बी डी निकालो, तो बी डी क्या होगा, बी डी इक्वल टू है ए डी माइनस ए बी। और दोस्तों यहां डी सी क्या है आप खुद देखें, डी सी इक्वल टू क्या है, ए सी माइनस ए डी, ठीक है। अब आप जानते हो बी डी और डी सी इक्वल है, बी डी और डी सी इक्वल है, लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट भी इक्वल होगा। तो राइट पार्ट इक्वल करने के लिए अपन थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। आपके सामने है ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर माइनस ए डी वेक्टर। आ जा भाई, ए डी क्या है रे, जेड, माइनस ए बी क्या है भैया, अक्स। आगे चल, ए सी क्या है भैया, वाई। ए डी क्या है भैया, फिर देख तेरा क्या है, माइनस जेड। ये माइनस इधर आ जाएगा तो तेरा क्या बन जाएगा, टू जेड। वो वाई अक्स क्या बन जाएगा, प्लस। तो तेरे सामने ये देख, तेरे सामने सामने आ गया अक्स प्लस वाई, वेक्टर का साइन लगा दे तो टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये तेरा फोर्थ आंसर हो गया इसका। ओके, यहां तक बात हो गई। अब इसका मैं लेता हूं अल्टरनेट। देखो आप इसको ऐसा करो, टेढ़ा करो, इस डायग्राम को आप ऐसे बनाओ। देखो ये त्रिभुज है ना, इसको उठाओ, ये ऐसे करो इसको, ऐसे करो, कर लिया। ये तेरा कौन है ए, ये तेरा कौन है बी, ये तेरा कौन है डी, ये तेरा कौन है सी। टेढ़ा बन गया, बन गया ना, इसको ऐसे घुमा लिया अपन ने। अब देख डियर, इसको थोड़ा सा अपन टेढ़ा करेंगे तो अपन जानते हैं कि ये ऐसे बनेगा। ये ले, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम थ्योरम बन गई ना। तो ए बी क्या है, ये तेरा ए सी है, ये तेरा ए बी है। ए बी क्या है देख डियर, ए बी कौन है, अक्ष। ए सी कौन है, वाई। ये तेरा अक्ष, ये तेरा वाई, ये तेरा कौन है, जेड। ये जेड है, ये भी क्या होता है, तू जानता है कि जेड, ये क्या हो गया, टू जेड। ये सिंपल सा फंडा है यार, टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर, मतलब ज्यादा अच्छा है ये, मेडिकल में आ सकता है भाई। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये कहता पार्टिकल मूव अलोंग पॉजिटिव ब्रांच ऑफ द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई विथ एक्स गवर्नड बाई एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू वेर एक्स वाई आर मेजर्ड इन मीटर्स एंड टी। या आपका क्वेश्चन हो गया। अगला कहता टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको इसकी वेलोसिटी चाहिए। देखो डियर, आपको वेलोसिटी चाहिए, एक्स डेटा भी है, वाई डेटा भी है। एक बात ध्यान सुन लो, मैं आपको 3D की सिंपल सी इक्वेशन लिख के बता दो, पेज खाली करें, फिर 3D बनाओ। देखो मैं सबसे पहले कोई भी स्थिति होती है, मान लो कि आर कंडीशन है, उसका सपोज करो अपन कहते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, बोलो हाँ या ना। ये 3D है, जेड गायब कर दो 2D बन जाएगा, वाई जेड गायब कर दो 1D बन जाएगा, और सारे गायब कर दो तो किस पे आ गया, मूल पॉइंट पे आ गया। अब अपन जानते हैं कि इसकी वेलोसिटी चाहिए, तो हम सब जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, वी इक्वल टू dr बाई dt। तो इनको आप अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तेरा वी बनेगा। तो सीधा बोल दो, तो अक्ष वेग का अक्ष घटक, वेग का वाई घटक और वेग का जेड घटक, किससे, आर के एक बार डिफ्रेंशिएशन से। वही बात है, जेड वाला नहीं है तो 2D है, वाई जेड नहीं है तो 1D हो जाएगा। अब इसके आगे चले, इसका अक्षर निकालना हो तो अपन जानते हैं अक्षर कैसे होता है, आप वेलोसिटी की एक बार फिर आप डिफ्रेंशिएट कर दो। अपन 3D की बात कर रहे हैं एक साथ भाई, आ जा डियर। तो वो बात वही होगी, यहां ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, इनका रिजल्टेंट तू जानता है रिजल्टेंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर रूट। इसका निकालना हो तो एक्स वन का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर रूट। इसका निकालना हो तो ए एक्स वी, ये सब चीजें कहने का मतलब है कि इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ते तो इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा इसका। ये 3D समझा दिया आपको मैंने। अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर, आओ इसको खाली कर लेते हैं। अब अगला साफ कहता भाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, लेकिन वाई और एक्स की डिपेंडेंस एक्स दे दिया अगले ने, तो आप ऐसा करो एक्स की जगह क्या पुट कर दो आप, टी स्क्वायर बाई टू। यहां एक्स टी स्क्वायर बाई टू है और यहां दोस्तों एक्स रिप्लेस कर दो टी स्क्वायर बाई टू है, तो टी 4/4 2। देख देख भाई समझ, वाई इक्वल टू क्या आ गया, टी 4/8। यानी इसमें दो प्रकार की इक्वेशन आ गई, ये ले एक एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर बाई फोर है
और वाई दोस्तों टी फोर बाई एट है। हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। ओके, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होगी भाई? याद करो, डी एक्स बाई डी टी आई कैप, डी वाई बाई डी टी जे कैप। बोल रहा है ना, देख बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने एक्स की वैल्यू दी या वाई एक्स को भी टी में लेना पड़ेगा मेरे को, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, टी फोर बाई एट हो गया। ओके, अब देख ये मैं साफ तरह मिटा दूं। अब तेरे सामने सामने एक इक्वेशन आ गई कि एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू है, और वाई स्क्वायर बाई क्या था अभी देखा अपन ने? टी फोर बाई एट है ना। बस अब इसका आ जा, तो इसका तुम डी एक्स बाई डी टी निकाल। तो डी एक्स बाई डी टी क्या है दोस्तों? वी एक्स। कितना है वी एक्स? याद है ना, टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? टू टी बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। पूरी बात कर दूं तेरे लिए, टू टी बाई टू, ये तेरा टी आ गया। और टी कितने सेकंड पूछा अगले ने? तेरा दो सेकंड पे। तो ये ले भाई, इसकी वैल्यू दो आ गई। डी एक्स यानी यहां वी एक्स का मान दो आ गया। बोल हाँ या ना। बहुत सिंपल बात कर रहा हूं तेरे लिए मैं। इस पे आ जा दोस्त, डी वाई बाई डी टी। तो चलो इसका अवकलन कर। तू जानता चार नीचे आएगा, टी ऊपर थ्री रहेगा, ये एट रहेगा, ये चार, ये तेरा कितना है? दो। तो दो की पावर तीन क्या होगा? दो चार आठ, ये तेरा आठ, ये तेरा आठ, ये कैंसिल आउट, ये तेरा फोर। तो मेरे भाई वी वाई का मान क्या आ गया? फोर। ये ले वैल्यू पुट कर दे, ये तेरा क्या है? टू आई कैप प्लस फोर जे कैप। बस ये ले, टू आई कैप प्लस फोर जे कैप, टू आई प्लस फोर जे कैप, आंसर आ गया। भले पड़ा। देखो सुनो, आप रट्टा मत मारो, 3D 2D 1D चेंज कर लो, एक साथ सल्टाउन मेमोरी को यार। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और बाय चांस फोर्स की बात कर ले तो भी होता है। फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, ध्यान रखना, एफ इक्वल टू एम ए। तो एम तो बदलता नहीं है, तो ए है वहां, वो आ जाएगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एक साथ सल्टे सा रही है। ओके थैंक यू। ओके डियर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, ये मेरा प्रिय क्वेश्चन है जिसका उत्तर हमेशा 90 डिग्री होता है। ये एक बात सुनो, एक डेटा दिया हुआ होता है, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो डेटा बनता उसके साथ बात करता है। बात ध्यान सुना लो, प्रश्न क्या कहता है? लिनियर मोमेंटम ऑन ऑब्जेक्ट कैन बी, पी की वैल्यू दे रखी है, बिटवीन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड लिनियर मोमेंटम। साफ कहता है पी का मान दिया हुआ है, वस्तु पे लगने वाले बल तथा इसके रेखीय समय। देखो दोस्तों साफ साफ पता लगता है एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मेडिकल का लेवल होता है यार। एक ऐसा प्रश्न जब भी आएगा जो दिया है उसको अवकलन करोगे तो अगली चीज आएगी। आ जा, तो अब इसका एफ क्या बनेगा? रे ले तो इसको अवकलन कर दे। तो अवकलन करना है, क्या दिक्कत है? फोर कोस टी तो माइनस हो गया, फोर साइन टी आई कैप, ये तेरा फोर साइन टी है, तो ये क्या हो गया? फोर कोस टी, ये तेरा जे कैप है, ये तेरा एफ है, तेरा पी है। अरे याद कर बोले आदमी, सदिश एफ है डॉट पी इक्वल टू जीरो कर ले, करके देख ले चाहिए। तो एफ पी को मल्टीप्लाई कर, ये तेरा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, वो प्लस 16 माइनस 16 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, प्लस 16 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। एक ओमेगा बोल टी बोलते बात एक ही है, जीरो हो गया। जीरो कब होता है? कौन 90 डिग्री होता है। सुन ले भाई, ये एक सरेंडर प्रॉब्लम है, पी दिया हुआ है, और जब जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आउटलाइन कर डिफरेंशिएट करने के बाद जो संख्या बनती है उनके बीच का एंगल पूछता, आज तक तो आया नहीं भैया, 90 डिग्री होता है हमेशा। बाकी तू कहने ऐसे कैसे होता है, तो मंत्र सामने कर दिया भैया। ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्या कहता है? वेलोसिटी वर्सेज टाइम, वेलोसिटी वर्सेज टाइम, वी और टी के बीच कोई कर्व है तो लिख लिया। अगला साहब कहता है वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। वो कहता है कि एक व्यक्ति यहां खड़ा है और ये बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो करता है किसी यू वेलोसिटी से, तो कहता है इसकी वी और टी के बीच आप करो बताओ। देखो डियर, ये ऊपर की ओर जा रही है ना, तो सीधी सी बात, आप रेफरेंस ले लो। रेफरेंस ऊपर की ओर लोगे तो जी आप जानते हो अपने आप क्या हो गया, नीचे की ओर होता है, वो नेगेटिव हो गया। जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, तो इसको रेफरेंस बोलते हैं। समझने की चीज है, बाकी मोटी बुद्धि की बात है यार, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है ना, तो त्वरण नहीं होता है, मंदन होता है, इसमें अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? v इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्लियर? v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तेरा कर्व किसके बीच है? वेलोसिटी और टाइम के बीच है। बस वेलोसिटी और टाइम के बीच है, तो मैं जानता हूं इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो u तो क्या है? कॉन्स्टेंट। तो u तो दोस्तों क्या है यहां पर?
एक्चुअल में यू तो क्या है, यू तो यहां सी है, यू तो किसके भांति काम कर रहा है, सी की भांति, तो वाई की जगह तो ये है वी इक्वल टू माइनस जी टी प्लस यू, यानी ये बन गया वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। दोस्तों ये कर्व आपका बिल्कुल माइनस एम एक्स, स्लोप क्या रहेगी माइनस, ओके, और सी कट करेगा, ये आपका ऐसा एक कर्व आएगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, जिसका नाम क्या होगा भाई स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन कर्व क्या होगा, ये होगा देखना, ध्यान दे क्लास, ऊपर की ओर फेंका u कांस्टेंट है, रेफरेंस को ऊपर की ओर माने तो g माइनस है, फिजिक्स छोटे फिजिक्स यार, ऊपर की ओर फेंकेंगे ना तो वेग धीरे धीरे कम नहीं हो रहा है क्या, तो माइनस आएगा, मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है बस। अब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये मूल कहानी है, y डेटा x डेटा एक होता कांस्टेंट, तो यहां से तुम फेंका है तो कांस्टेंट है, v समय के साथ जरा ऐसे बोल फेंकेंगे तो धीरे धीरे कम होते होते ऐसे कम होते होते कम हो जाएगा, तो ये आपका कर्व बन गया, ये क्या है स्ट्रेट लाइन, ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप पढ़े क्वेश्चन जो क्या है, अगला वेलोसिटी और टाइम के बीच एक कर्व बता रहा है, एक मिनट पेज खाली करें। देखो डियर, वेलोसिटी और टाइम के बीच कोई भी कर्व आप खींचो तो इसकी थोड़ी सी मूल कहानी समझ लो आप, वेलोसिटी और टाइम के बीच का कर्व है ना, सबसे पहले तो इसकी स्लोप क्या है, तो ये एक बात याद रख लो, वेलोसिटी और टाइम की जो स्लोप है टेन थीटा, वो तेरे सामने वी बाई टी बोल चाहे इसको तो डी वी बाई डी टी बोल, ये ए के इक्वल होती है, यानी वेलोसिटी वेक्टर के साइन में लगाना कई बार हो जाता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच कर्व ड्रॉ करेंगे ना तो उस कर्व की जो स्लोप है ना डियर वो बताती है एक्सीलरेशन को। अब आगे चल, अब थोड़ा सा बात को मॉडिफाई करें तो आपके सामने इसके द्वारा जो कवर्ड एरिया है, फिजिक्स मत लगा इसमें, तो सिंपल बात सुन ले, तो इसमें सिंपल सी कहानी सुन ले, इसका जो कवर्ड एरिया है ना ये वाला, ये दोस्तों आप जानते हैं अच्छी तरह से v इक्वल टू क्या होता है ds बाई डी टी, तो डीएस सिंपल सी बात है कि ds इक्वल टू क्या हो गया v मल्टीप्लाई डी टी, इसको आप ऐसे पूरा करते हैं तो दोस्तों सीधा सा अर्थ है कि v और t के द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। अब वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो अपन जानते हैं, वेक्टर रूप में काम आएगा, कि ग्राफ लाइन से ऊपर है तो सारा ऐड हो जाता है, कुछ हिस्सा नीचे आ गया तो ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया वो क्या बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने जब आपको प्रीवियस पेपर कराए थे सॉल्यूशन तब भी दिया था, मेरा कहने का भाव ये है कि वी और टी ये टेक्निकल चीजें नहीं है रहे, ये टोटली एग्जाम के अटैक चीजें हैं, ये वी और टी के बीच जो कर्व ड्रॉ करते हैं उसकी जो स्लोप है ढाल है वो वेलोसिटी को वो बताती है एक्सीलरेशन को, और इसके द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो दोस्तों बताता है किसको, इसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस को, ओके डियर। अब आप क्वेश्चन पे आ जाएं भैया, आए सुनील सर क्वेश्चन खोले, देखो दोस्तों साफ कहता है आप इसको ऐसा करो, इस पॉइंट को पी कह दो, इसको क्यू कह दो, इसको आर कह दो, इसको एस कह दो। देखो सबसे पहले आप पथ पी क्यू की बात करो, पथ पी क्यू पर वी क्या है कॉन्स्टेंट, दोस्तों वी कॉन्स्टेंट होता है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हम सब जानते हैं F इक्वल टू एम ए, एफ क्या बन जाता है जीरो, यानी पी क्यू पथ पर F क्या है जीरो, ओके आगे चलो। अब आप पथ क्यू आर पे आओ, देखो ध्यान दे क्लास, आप पथ क्यू आर पे आओ, दोस्तों देखो क्यू आर, क्यू आर वी और टी की नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है रिटार्डेशन, मंदन, मंदन का मतलब गाड़ी के ब्रेक लग रहे हैं, ओके आगे चलो। पथ आप आर एस पे आओ, ये पथ आर एस है, इस पे स्लोप क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब त्वरण है यानी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, दोस्तों यहां गाड़ी का फोर्स जीरो है, यहां गाड़ी के ब्रेक लग रहे हैं और यहां गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, ये इसका आंसर हो गया। अब उत्तर मिला, बी पे बल शून्य है ना, बी पे बल है परंतु गति की दिशा में है ना, बी पे बल है परंतु गति की दिशा के विपरीत है, ये राज, बी पे फोर्स तो है लेकिन स्लोप क्या है नेगेटिव, तो क्या है मंदन, क्या है रिटार्डेशन, तो गति उसका मतलब गति की दिशा के विपरीत है, ओके तो दोस्तों आपका आंसर हो गया इसका 3 नंबर, ओके थैंक यू। क्वेश्चन 9 आपको पढ़ा दिया मैंने, दोस्तों वेलोसिटी और टाइम के बीच कर्व है तो आप कहते हो, साफ कहता है द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द ग्राफ, याद कर ले वी और टी के बीच खींचे गए ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल तय की गई दूरी होती है, तय की गई दूरी विस्तार, एक ही बात है, एक ग्राफ बिटवीन वी एंड टी कवर्ड एरिया बाय दिस कर्व इज जस्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है,
मेडिकल से थोड़ा सा लेवल इसको ऊपर कह सकते हैं, पर इसमें कॉन्सेप्ट है। आप एक क्वेश्चन पढ़ लो पूरा, लोए आप पता है इसका मतलब होता है कि आप अपने कंप्यूटर को, अपने उसको मोबाइल को पोज कर लिया करो, पोज करके पढ़ लो, इसका मतलब ये होता है। पढ़ लिया, अब आ जाओ, इसका बताओ अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये कि एक कोई एक स्टेशन है, यहां से गाड़ी चल के और किसी बी स्टेशन पे गई। स्टेशन का मतलब ये है कि जहां चली वहां गाड़ी रुकी हुई थी, और जहां गाड़ी पहुंची वहां भी गाड़ी रुकी हुई है। इसकी सुंदरता यही है कि दोस्तों यहां यू भी जीरो है और वी भी जीरो है, बट ये जो सारा तामझाम है ना, ये इसके अंतर्गत होता है, एफ इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, और ये कहता है कि डिस्टेंस एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालो। ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जहां से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का मतलब है, जहां से चली वहां भी गाड़ी रुकी हुई होती है, जहां जाएगी वहां भी गाड़ी रुकेगी, तो यू भी जीरो वी भी जीरो, बट इस दौरान गाड़ी स्टार्ट होगी, बढ़ेगी स्पीड, बढ़ेगी ब्रेक लगाएगी, रुकेगी, तरीका रहेगा ना। ये इस एफ कौन है इरा, देखो इरा एफ कौन है, एक्सीलरेशन है, वो कौन है, परिवर्ती है। क्यों परिवर्ती है, क्योंकि एक्स परिवर्ती है। यदि कांस्टेंट होता तो दिक्कत ही नहीं थी, वी इक्वल टू यू प्लस एट लगा देते अपन, लेकिन परिवर्तनशील हो गया तो वो न्यूटन के समीकरण काम नहीं आएंगी। अब अगला साहब कहता भाई ए बी दूरी बताओ, क्लियर, ये तो प्रश्न है, शुरू करूं, आ जाओ। तो देखो डियर, अपन एक बात जानते हैं कि एफ इक्वल टू होता है डीवी बाई डीटी, त्वरण एफ एक्सीलरेशन है वो, यार वेक्टर लगा दो यार, मैं वेक्टर लगाता नहीं, बार बार आप लगा लो, यहाँ भी वेक्टर लगा लो, यहाँ भी वेक्टर लगा लो, ये सब कॉमन सेंस की बातें, ये सॉल्यूशन उतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका मैं, लेकिन हमें तो अक्ष चाहिए, तो अक्ष चाहिए। तो देखो ये है सुंदरता, तो इसकी ये है, आप ऐसा करें इसको डी एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, डी एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। देख डियर, अब तो खुद देख, डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया तेरा, वी। तो डियर एक नया फॉर्मूला बन गया, ये जो सबसे पहला फॉर्मूला है, दिस इज वी डी वी बाई डी एक्स, प्लीज बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, बहुत से बच्चों नहीं आता, कई बार ये आता कहां से पता नहीं होता है। तो एफ इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ओ डियर एफ ही रहा, कितना एफ, ए माइनस बी एक्स, बस। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ए मैं तेरे लिए बोर्ड खाली कर लूं, आ जा। तो तेरे सामने एफ इक्वल टू, एक फॉर्मूला तो है वी डी वी बाई डी एक्स, और एक फॉर्मूला है ए माइनस बी एक्स। ओके डियर, अब अपन क्या करेंगे कि एक्स को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये तेरा वी डी वी ए माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स, और इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट। ये तो स्टार्ट कहां से होगा, जीरो से जीरो पे जाएगा, ये जीरो से किस पे जाएगा, एक्स पे जाएगा, बोल हाँ आना। बस सुंदरता यही है, वेलोसिटी में इनिशियल भी क्या है जीरो, फाइनल भी क्या है जीरो, इसका कुछ भी खर्चा है, ये दुकान तो क्या हो गई इधर तेरी जीरो। इसका तू कर ले समाकलन, तो ये तेरा ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से एक्स, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो अपर माइनस लोअर करेंगे तो दोस्तों जीरो की टर्म खत्म हो जाएगी, और इधर आंसर आएगा ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर टू इक्वल टू जीरो। एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दे, देख डियर ये तेरा बचा ए माइनस बी एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो, तो तेरे सामने ये एक्स इक्वल टू आ गया 2a बाई बी, 2a बाई बी इसका आंसर हो गया दोस्तों फर्स्ट, और शानदार क्वेश्चन, मजा आ गया बात कर, थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यहां एक बात स्पष्ट कह दूं, सुनो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 यदि उन दोनों को मेरे सॉल्यूशन को देखने के बाद आप अपने इसको बंद करके खुद हाथ से निकालो। कई बच्चे कहते हैं वो फिजिक्स में कैसे पढ़े, इसका तरीका एक होता है, क्वेश्चन को पहले देखो टीचर या किताब के सॉल्यूशन से, फिर उसको बंद करके खुद हाथ से निकालो, आंसर आ गया तो क्वेश्चन आपको आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। और ये दसवां ग्यारहवां दो क्वेश्चन आप ढंग से कर गए ना, इसमें इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, तो मैं नहीं मानता मात खाओगे आप। मैं मेरी बात शुरू करता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ें पूरा, क्वेश्चन तरीका क्वेश्चन पढ़ने का, क्लास नहीं है, कंप्यूटर है, पोज कर लो उसको यार, अपना पोज कर दो, पढ़ने में आ गया। अब बताऊँ क्या प्रश्न है, ये कहता कि एक बॉडी है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 10 किलो, इस पे F इक्वल टू के वी स्क्वायर का प्रतिरोधी बल, प्रतिरोधी बल का मतलब ब्रेक लग रहे हैं। ये कोई वस्तु है जिसका इनिशियल वेग क्या है 10 मीटर पर सेकंड। आप ये देखो, शुरू में कोई 10 किलो की वस्तु है जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और उस पे एक मंदन लग रहा है, एक बल लग रहा है, गाड़ी पे ब्रेक लग रहे हैं, जो वेरी कैसे हो रहे हैं, F इक्वल टू के वी स्क्वायर, के तो कांस्टेंट है,
वी वेरिएबल है, इसका मतलब वी बदलेगा तो एफ भी बदलेगा। तो दोस्तों ये कहता है कि टी बराबर 2 सेकंड पे इसका वेग क्या है। ठीक है, आ जाओ जी। सबसे पहले तू कहता है एफ इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू क्या आएगा, एफ बाई एम। एफ तेरे सामने क्या है, के वी स्क्वायर बाई एम, के का मान है 2, वी स्क्वायर अपने को पता नहीं चेंज है, एम का मान 10। तो दोस्तों ये आपका आ गया वी स्क्वायर बट्टे 5। लेकिन तेरी बात को मैं ढंग से कहने के लिए इसके साथ माइनस का चिन्ह लगा दूं। क्यों लगा दूं माइनस का चिन्ह, अगला खुद कह रहा भाई रेजिस्टिव फोर्स है। तो ये इस सिस्टम का दोस्तों ए है माइनस वी स्क्वायर बाई 5, ए इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई 5। देख लिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो दोस्तों ए इक्वल टू आ गया माइनस वी स्क्वायर बाई 5। अगला कहता है टी इक्वल टू 2 सेकंड पे आप इसकी क्या निकालो, वेलोसिटी। ओके डियर, अब तू जानता है ए क्या होता है, तो ए अपन जानते हैं क्या होता है, डीवी बाई डी टी, आया ना, ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी। वेरी गुड वेरी गुड। तो ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी इक्वल टू क्या है रे, माइनस वी स्क्वायर बाई 5। ध्यान देना माइनस साथ रहेगा इसमें, क्योंकि माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपका त्वरण नहीं है मंदन है। ओके दोस्तों, तो डीवी बाई डी टी ये मिटा जाऊंगा आपके साथ साथ में। ओके, अब वही तरीका कि वी के साथ वी को लो, तो वी को इधर लाओगे तो ये आप देखो माइनस उधर पड़ा रहेगा, तो ये क्या आएगा माइनस 1/v² डीवी इक्वल टू 1/5 डी टी। ये ले इनिशियल से फाइनल, इनिशियल क्या है 10, फाइनल क्या है v, इनिशियल क्या है 0, फाइनल क्या है 2। अरे पले पड़ी क्या, इधर कौन है वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी इनिशियल क्या है 10, फाइनल क्या है मान ले v है निकालनी है, टाइम क्या है 0, कहां तक जाना है 2 तक जाना है, ले भैया अब इसको मिटा दूं। ओके, अब तेरे सामने सामने है, थोड़ा कलर चेंज कर दूं तेरे लिए, तेरी सुंदरता हो जाए, ब्लैक कर लेते हैं ले, लाल कर लेते हैं ले। ओके, इस माइनस को बाहर रख, माइनस बाहर रख लिया। अब देख 10 से वी, ये वी की पावर माइनस 2v डी इक्वल टू, यहां दोस्तों अपन एक मान लेते हैं, तो इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन टी अपॉन 5, कहां से कहां 0 से 2, तो अपर माइनस लोअर, तो 2/5 माइनस 0 इक्वल टू आ गया 2/5। इसका राइट हैंड पार्ट तो आ गया क्या 2/5। अब अपन इसके लेफ्ट हैंड पार्ट का इंटीग्रेशन और कर लेते हैं। अपन जानते हैं दोस्त अक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अक्स एन प्लस वन, एन प्लस वन जानता है भाई, तो बस तो इसका देख ये माइनस तो बाहर रहेगा, वी की पावर माइनस 2, तो वी की पावर माइनस 2 क्या है माइनस 1 अपॉन माइनस 1, कहां से कहां भाई 10 से वी, बोल बोल v की माइनस 2 है ना, देना देख n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 क्या बचा माइनस 1, नीचे क्या आया माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये तेरे सामने क्या आ गया 1 अपॉन v, कहां से कहां रहे 10 से लेके v, इसको आप कोई v डैस बोल दो क्या फर्क पड़ता है, लो समझने के लिए v v। अब क्या होता है अपर माइनस लोअर, बोल बोल अपर माइनस लोअर, ये तेरा 2/5 है, अपर क्या है अपर तेरा है 1 अपॉन v डैस माइनस 1 अपॉन 10 इक्वल टू 2/5, पता है ना, हो गया ना अपर माइनस लोअर, बस डियर। तो ये तेरा 1 अपॉन v डैस इक्वल टू क्या है भाई 2/5 प्लस 1/10, थोड़ा सीधा तेरे लिए ये तेरा 10 ले ले तो ये 4 प्लस 1, तो ये तेरा क्या आ गया 5/10, 5/10 का मतलब 1/2, 1/2 को v डैस उल्टा कर दे 2, दोस्तों आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। यार कितना शानदार क्वेश्चन, ओके थैंक यू। हाँ डियर, हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 12, ये किस पे है भैया डायमेंशन पे है। अगर इफ द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी गिवन एम ए एल बी टी सी, द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, वो कहता है किसी भौतिक राशि की विमा ये है तो सूचित करो। दोस्तों ये एक विमा है, तो इसको देखो इसमें आपका मेरा कोई रोल नहीं है भाई, आपको इन सब की डायमेंशन याद होनी चाहिए, वो मिला दो सही होना चाहिए। फर्स्ट को देखे दोस्तों, फर्स्ट क्या है प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है आप जानते हो, प्रेशर होता है एफ अपॉन ए होता है, निकाल दूं आपके लिए तो टाइम वेस्ट तो कर रहा हूं। एफ कौन है फोर्स, एम ए अपॉन ए, एम की डायमेंशन क्या होती है एम वन, ए कौन है एक्सीलरेशन, उसकी डायमेंशन क्या होती है एम जीरो एल वन टी माइनस टू, एक्सीलरेशन में क्या होता है टी माइनस टू।
अपॉन एरिया क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर क्या होता है एल टू, तो इसकी आगे एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, यानी ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू माइनस वन और टी की माइनस टू दे दे तो ये सही है। लो जी सही हो गया, ये लो आंसर आ गया। इसमें आपका मेरा कोई रोल नहीं है, चारों ऑब्जेक्ट निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 13 मैं फिर से कह दूं, फिजिक्स पंच में जो हमने अपलोड कर रखा है clclive.in पे, वहां एक दूसरा क्वेश्चन है, वो बहुत लंबा था, उसको रिप्लेस कर दिया मैंने इस क्वेश्चन से। ये कहता है गिवन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, डी इक्वल टू बी क्रॉस ए, दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है, अरे यार ये तो बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है, सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, ओके, और डी इक्वल टू बी क्रॉस ए, अरे भूल गए क्या, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता माइनस बी क्रॉस ए, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंगल कितना हो गया 180, अरे ऐसे कर लो ना यार, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर का साइन लगा दे ऊपर, माइनस बी क्रॉस ए, याद है ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बदल जाता है। देखो दोस्तों इधर देखो, ए क्रॉस बी अंगूठा ऊपर की ओर, बी क्रॉस ए अंगूठा नीचे की ओर, 180 हो गया, ठीक है, थैंक यू। हाँ दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर सेट करते हैं 14, ये वाले क्वेश्चन दोस्तों बरसात और छाता पे एक पेट क्वेश्चन है, इनको बोलते हैं अम्ब्रेला और बारिश पे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस पे दो ही संभावनाएं हैं, मैं दोनों संभव आपसे डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन कहूंगा, प्लीज मन से बैठ जाओ, एग्जाम का पका पका प्रश्न है। आई डियर देखो भाई, थोड़ा मैं आपके साथ साथ बना रहा, देखो एक व्यक्ति खड़ा है और उसको लगता है, ये पहला केस है, दो ही केस बनते हैं इसमें, पहला कंडीशन है कि बारिश परपेंडिकुलर नीचे आ रही है, दोस्तों आदमी खड़ा है, जमीन भी रुकी हुई है, तो इसको अपन बोलते हैं आवीआरजी, रेन का ग्राउंड के सापेक्ष, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट ग्राउंड, इसको वीआर भी कैसे छोड़ सकते हैं, पर अपन वीआरजी लगाएंगे। अब ये बंदा आपका चलना स्टार्ट हो गया, लो जी किस वेलोसिटी से, वीएमजी मैन, लेकिन जैसे ही बंदा चलना स्टार्ट होगा ये बारिश दोस्तों इसको सामने से आती हुई प्रतीत होगी, तो एक्चुअली मान लो पहले ऐसे छाता लिए खड़ा है, तो जैसे चलना स्टार्ट होगा इसको छाते को घुमाना होगा थीटा एंगल, तो दोस्तों जैसे ही चलना स्टार्ट हुआ तो आप थोड़ा समय बढ़ा दूं, तो इसको ये बारिश दोस्तों ऐसे थीटा एंगल पे आती हुई प्रतीत होगी, तो इस व्यक्ति को जो एक छाता लगाना है वो छाता ऐसे थीटा एंगल पे लगाएगा, और ये दोस्तों वी आर एम है, ये सब पे वेक्टर लगा लो आप, वी आर एम रेन का मैन के सापेक्ष। पल्ली पड़ी, देखो आदमी से खड़ा था, ठीक है, आदमी से खड़ा था, अभी आदमी चलना स्टार्ट हुआ, फिर भी छाता क्यों लगाते हैं, बारिश से बचने, कॉमन सेंस की बात है, तो मुझे छाता ऐसे थीटा, और ये एंगल हमेशा किससे है, परपेंडिकुलर लाइन से, थीटा अगले को झुका दिया बस, तो कितना छाता झुकाया ये तो प्रश्न है ना, आजा वेक्टर बना इसका, दोस्त त्रिभुज बना, देख कलर चेंज कर तेरे लिए, आजा देख, सबसे पहले देख वी आर जी किधर है, बहुत प्यारा पॉइंटर है, वी आर जी किधर है नीचे की ओर, देख लड़के वी एम जी किधर है इस तरफ है, वो वहां से आ रहा ना, ये ले, ये तेरा कितना है भैया वी आर एम, ओके डियर, त्रिभुज का नियम लगा, त्रिभुज क्या कहेगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये ऐसा मत देखना कि त्रिभुज में इन भुजाओं को जोड़, ये सदिश है भैया, तो आ जा, तो वी एम जी प्लस वी आर एम इक्वल टू वी आर जी, ले ये सही है गलत चेक कर दे यार, देखना वी आर एम प्लस वी एम जी इक्वल टू क्या है वी आर जी, याद करना, दो वेक्टर जोड़ते हैं तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट एक होता तो वो खत्म हो जाते ना, तो सही है, ये वी आर जी, ये वी आर जी, ये वी आर जी हो गया, और ये एंगल क्या हो गया इसका थीटा। अब तू कहेगा ये एंगल थीटा कैसे हुआ, तो ले मैं थोड़ा कलर चेंज करके समझा दूं, आ जा पूरी बात, ये बारिश यहां से आ रही थी तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, क्लियर, बस। तो कितने डिग्री पे छाता झुकाए, 10 थीटा, क्या होता 10 थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में कहें तो लंबटे आधार, तो लंब क्या है VMG, आधार क्या है VRG, बहुत सी किताब या बहुत से स्टूडेंट जी को उठा देते हैं, लंबे उठा देते हैं, VM अपॉन VR, ये ले भाई सीधी बात है, प्रश्न आता है, क्या प्रश्न है कि एक व्यक्ति खड़ा है, बारिश ऊपर से आ रही है, अब वो किसी वी
एम वेलोसिटी ऑफ मैन चलना शुरू करता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो छाते को कितने डिग्री से झुकाएगा। बस डियर दोस्तों आपका प्रश्न हो गया। ओके, ये इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसपे आगे प्रश्न काम आएंगे। हाँ, आपका जो 14वां प्रश्न इस पे नहीं है, वो अगले केस पे है। ये पहला केस हो गया इसका, क्लियर? ओके, थैंक यू। हाँ डियर, वो पहला केस हुआ। अब दूसरा केस देखो आप इसका, बात पकड़ मार रही है ना, थोड़ा जोर आएगा इसमें, पर एक बात समझने के बाद, मेरे को पढ़ाए हो, 5 साल हो छोड़े हो यार, तो भी मैंने आज 15 मिनट इसको पन्ने पलटे ना तो सारा रिकॉल हो गया अंदर से, आपके हो जाएगा, चिंता मत करो, यदि ढंग से कर लोगे तो नीट में ठोक के जाओगे। दोस्तों ये केस क्या है कि एक व्यक्ति खड़ा है और बारिश पहले से दोस्तों किसी थीटा एंगल पे आ रही है। बारिश पहले से क्या हो रही है? थीटा एंगल पे आ रही है। बट ये क्या है? वी आर जी, ध्यान दे क्लास। आदमी खड़ा है पहले से बारिश, ऐसे मान लो आदमी खड़ा है, बारिश पीछे से थीटा एंगल पे आ रही है, वी आर जी। अब इस आदमी को अपने आप को बचाना है तो दोस्तों इस जैसे चलना शुरू होगा, देखो बारिश हमेशा चलने की दिशा में झुकती है, जैसे ये व्यक्ति चलना स्टार्ट होगा किससे चलेगा? वी एम जी चलेगा आदमी। तो दोस्तों जैसे ही व्यक्ति चलना स्टार्ट होगा ये बारिश सीधी हो जाएगी, इसको सीधी लग रही है। अब ये एक्चुअल में आर एम है रे, ये आदमी के चलने पे सीधी लग रही है, तो स्पीड रेन की जी के सापेक्ष नहीं है, ये रेन की स्पीड मैन के सापेक्ष है। बस तो कितना शिफ्ट हुआ है? थीटा एंगल। करें बात शुरू, बड़ा एंगल आ जा, तो सबसे पहले बना ए, ये तेरा कौन है? वी एम जी, क्लियर है? ये तेरा कौन है? वी आर एम। और ये तेरा पहले से कौन है? वी आर जी, ठीक है डियर। एंगल किसके साथ है? अब देख इस लाइन के साथ एंगल है, तो अपन इसको कलर चेंज करके मैं तेरे को पूरी बात समझा दूं, तो ऐसे है ना, अपन बात करें तो ये ऊपर की ओर है, ये एंगल आपका थीटा, ध्यान दे देख, ये ऊपर से आ रही है तो परपेंडिकुलर है, ये एंगल तो ये ले मेरे भाई, ये एंगल तेरा क्या हो गया इसमें? थीटा, क्लियर? अब आजा, तेरा मामला ठीक है कि नहीं है? तो देख सबसे पहले ये कौन है? VMG, वेक्टर है भाई, वेक्टर में कहीं लगाना भूल जाना, VMG प्लस VRM इक्वल टू VRG। आजा इसको दो, एक तेरी लाइन और कर दूं, देखे तेरा RM प्लस VMG, देख M से M कट जाएगा, तो कट जाएगा, इसको बोलते हैं तो तेरा क्या बन गया रे? VRG। तो मेरा सही बन गया डायग्राम। अब अगला कहता है कि कितने डिग्री पर वो छाता है, या पहले बारिश किस डिग्री पे आ रही है? तो बारिश दोस्तों किस डिग्री पे आ रही है? यदि आपको जो वैल्यू चाहिए, मान लो साइन थीटा निकालना है, तो क्या होगा साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या है? वी एम जी अपॉन वी आर जी। चलो जी, आपको इसमें कोस थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए, वो तो आप निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके सामने ये पूरी कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रश्न पे, इसको आप क्वेश्चन निकालो। देखो डियर ये क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत आ रही हो, कोई बात नहीं। ये प्रश्न क्या कहता है मैं पढ़ दूं, एक व्यक्ति स्वयं को भीगने से बचाने के लिए छाते को ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण पकड़ा हुआ है। चल अगला पेज निकाल दोस्तों, 30 डिग्री पे पकड़ा हुआ है, इसका मतलब है, रोबर्ट कलर चेंज कर ले सॉल्यूशन में, दोस्तों थीटा इक्वल टू क्या है रे? 30 डिग्री। वापस क्वेश्चन में आ जा, फिर ये क्या कहता है? जब वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है तो उसे बारिश की बूंदें ऊपर से आती हुई दिखाई देती हैं। आ जा वापस क्वेश्चन पे, ये व्यक्ति दौड़ रहा है वी एम जी किससे रे? 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, ऐसा करने से उसने अपना बचा लिया। आ जाओ ऑब्जेक्ट में आओ, इसके दोस्तों ऑब्जेक्ट पढ़ो। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट अर्थ इज 20, धरातल के सापेक्ष बारिश का वेग 20 है, जमीन के सापेक्ष बारिश का वेग निकालना है। आ जा क्वेश्चन निकाल, जमीन के सापेक्ष बारिश का वेग, जमीन के सापेक्ष बारिश का वेग का मतलब क्या हुआ? वी आर जी। अब इधर आ देख यार, तेरे को थीटा दे दिया, वी एम जी दे दिया और वी आर जी निकालना है। थीटा दे दिया, ये एम जी तेरे को पता है, ये निकालना है, साफ दिख रहा भाई, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे करण। आ जा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे करण, वी एम जी बटे वी आर जी, तेरे को क्या निकालना है? वी आर जी, ये ले वी आर जी, उधर ले जा,
ये तेरा क्या है, वी एम जी अपॉन साइन थीटा। वी एम जी कितना भैया, देख देख 10, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, 2 ऊपर आ गया, आंसर क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन निकालना भैया, देख आ गया 20 मीटर पर सेकंड, हो गया एक ऑप्शन। दूसरा क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट मैन, व्यक्ति के सापेक्ष बारिश का वेग क्या है, क्वेश्चन में आ जा, व्यक्ति के सापेक्ष बारिश का वेग रेन का मैन के सापेक्ष। अब तो क्या निकालना है, आर एम, रेन का मैन के सापेक्ष तेरे को आर एम निकालना है। तो देख तेरे पास क्या है, वी एम जी है, तेरे को आर एम चाहिए, तो लंब है और आधार है, तो ठीक है क्या हो गया 10 थीटा। टेन क्या होता है, ले मैं यहां कर तेरे लिए, व्हाट इज 10 थीटा, 10 थीटा लंब बटे आधार, लंब कोण है वी एम जी, आधार कोण है वी आर एम। ओके डियर, 10 थीटा कितना है 10 30 है ना, तो 10 30 का मान क्या होता है 1/√3। वी एम जी कितना है 10, वी आर एम क्या है निकालना है, तो व्हाट इज वी आर एम 10√3, आंसर में आ जा 10√3, ये देख 10√3। तो भाई मेरे तेरा पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो कथन ए और बी दोनों सही है, ये आंसर आ गया। रुक जाए एक मिनट, दो ही प्रॉब्लम थी, एक सीधी बारिश आए, देख ध्यान दो, बारिश सीधी है मैं चलूंगा तो यूं झुकेगी, और झुकी हुई थी तो मैं चलूंगा तो ये सीधी हो जाएगी, क्लियर। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं बन सकती इसके ऊपर, ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर को देखो आप पढ़ें, ध्यान दो, वो कहता है, क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, पढ़ लिया, वो कहता है एक लिफ्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, एक गेंद को लिफ्ट के तल से 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, 2 मीटर की ऊंचाई से लिफ्ट के अंदर ही एक गेंद को गिराया, कितने मीटर की ऊंचाई से दोस्तों 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया, तो कहता है इस गेंद को इस लिफ्ट में टकराने में क्या समय लगेगा। दोस्तों लिफ्ट भी नीचे की ओर, गेंद भी नीचे की ओर, दोनों नीचे की ओर गिर रही है। आप जानते हो कि इसमें एक रेफरेंस लेते हैं, हम रेफरेंस को किधर ले लेंगे, नीचे की ओर, नीचे की ओर रेफरेंस को पॉजिटिव मान लेंगे अपन, ये आपकी इच्छा है, तो जी भी पॉजिटिव हो गया और ए भी पॉजिटिव हो गया, दोनों नीचे की ओर है, लेकिन परिणामी जी निकालना पड़ेगा ना इसमें, तो परिणामी ए जो इफेक्टिव आपका बनेगा वो क्या बन गया, दोनों का डिफरेंस बन गया रेस्पेक्ट में, क्योंकि लिफ्ट के अंदर है तो जी माइनस ए हो गया, तो ए इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 10 - 2 = 8, यानी ये गेंद इस एक्सीलरेशन के थ्रू नीचे गिर रही है। बस अब आपका इक्वेशन का क्या हो गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना है 2, यू क्या है 0, ये आपका 0 हो गया, ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 8 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, आप देखो ये आपका 4 है, टी इक्वल टू 1/2, तो टी की वैल्यू आ गई 1/√2, टी की वैल्यू 1/√2 सेकेंड, क्लियर। एक बार फिर सुन लो, लिफ्ट नीचे की ओर है, बॉल नीचे की ओर है, दोनों का डिफरेंस कर दो, और सिस्टम को नीचे कुछ लोग ऊपर की ओर मानते हैं, कोई फ्रेक्शन ऊपर की ओर मानोगे तो ये एस नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, ये नदी नाव में डायलॉग है, नदी नाव वाले क्वेश्चन, रिवर बोट वाले क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं, नदी और नाव पे 3 संभावनाएं बनती हैं, 3 लॉजिक है उसकी बात करता हूं। 3 लॉजिक क्या है, एक तो आप सब जानते हैं न्यूनतम समय में नदी पार करना, दूसरा न्यूनतम दूरी में समय पार करना, एक नया कॉन्सेप्ट में बढ़ाता हूं जो जिसको पहले बात करूंगा मैं, कि एक आदमी नदी के साथ तैर के जाए और वापस उसी स्थान पे आ जाए, उस पर क्या क्वेश्चन बनता है, तो मैं स्टार्ट यहां से करता हूं, ठीक है डियर। तो माना धान दे क्लास, ये कोई एक नदी है जो इधर बह रही है, ठीक है, नदी इधर बह रही है और दोस्तों ये आदमी भी इधर तैर रहा है, माना आदमी का वेग है वो वी एम है, नदी का वेग है वो वी आर है, कॉमन सेंस की बात है, मानो मैं अपन नदी जा रही है, नदी वेग बह रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से और हम भी उसमें तैरना शुरू कर दिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कॉमन सेंस की बात इधर जाएंगे तो दोनों वेग जुड़ते हैं यार, कोई बात ही नहीं है। माना कि ये दूरी आपकी, ये व्यक्ति यहां से यहां तक है, कोई डी दूरी तय करता है, तो सीधी सी बात है कि इसका समय क्या होगा, अपन जानते हैं वेग बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दोस्तों हो जाएगी वी आर प्लस वी एम। अब ये बंदा कहता कि वो व्यक्ति वापस वहीं आ गया, जब वापस आ गया तो तुम जानता, जब वापस बंदा आ रहा है तो इसका वेग क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो अब बता डिफरेंस वी आर माइनस वी एम होगा या वी एम माइनस वी आर होगा, वी आर माइनस वी एम नहीं हो सकता, क्योंकि वी आर बड़ा हुआ और तो आप नदी का वेग आपके वेग से ज्यादा है,
तो नदी आपको अपने साथ वहाँ ले जाएगी, इसलिए ये हमेशा होगा Va माइनस Vr। तो यहाँ इसको आप T1 कह दो, इसको दोस्तों T2 कह दो, तो वाट इज T2? D बटे Vm माइनस Vr। T1, देखो एक आदमी यहाँ से नदी के साथ तैर के गया, वापस यहाँ आया, तो औसत वेग तो जीरो हो गया, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, वेक्टर क्वांटिटी है, बट वो कहता औसत चाल बताओ इसकी, समय बताओ इसका। तो फिर सुन लो, पहले नदी के साथ चला तो वेलोसिटी दोनों का ऐड हो गया, डिस्टेंस वही है, वापस आया तो अब एक लॉजिक है, वी आर माइनस वी एम करूं कि वी एम माइनस वी आर करूं? तो तू खुद सोच यार कि तू नदी के विपरीत बह रहा है तो तेरा वेग नदी से ज्यादा होगा कम होगा? यदि तेरा वेग नदी के वेग से कम है तो उसके साथ कैसे बहेगा? नदी तेरे को बहालेगी, तो वी एम माइनस वी आर करना होगा, ये तेरा समय टी टू हो गया। तो डियर बड़ी सीधी सी प्रोसेस है कि टी वन समय इसको लगा जाने में और टी टू समय दोस्तों इसको लगा आने में। तो भैया टोटल समय कितना हो गया? आ जाओ टोटल समय निकालना हो तो टोटल समय मैं तेरे लिए कर दूं। टोटल समय क्या है? डी बटे वी आर प्लस वी एम प्लस डी अपॉन वी एम माइनस वी आर। ध्यान दे क्लास, बस अब तुझ टी को बाहर निकाल ले। अब मैं एक बात सीधा तेरे लिए कर दूं, ये दोस्तों अपन जब नीचे एलसीएम लेंगे तो अपन जानते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा रहा? ये देख, वी एम माइनस वी आर प्लस वी आर प्लस वी एम, कौन कटेगा? वी आर कट गया, आ गया ना देख। तो तेरा टोटल टी क्या आ गया? टू टू डी वी एम अपॉन वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का, पता ये टोटल टाइम आ गया ना, टू डी वी एम अपॉन वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। अब ये एक बात कहता है कि बता इसकी औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड नॉट एवरेज वेलोसिटी। यदि अगला पूछता है एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी, क्योंकि जहां से चले वापस में आ गए। एवरेज स्पीड क्या है? तो दोस्तों एवरेज स्पीड की बात अपन करें तो एवरेज स्पीड में क्या करेंगे भाई? सीधी सी बात है, वेग बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, समय क्या? टोटल टी, ये ले ये तेरा टू डी, और टी की वैल्यू क्या आ रहा है? ये रही टू डी वी एम, इसको ऊपर ले जा, वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, टू से टी, डी से डी। तो दोस्तों एवरेज स्पीड जो है वो तेरे सामने क्या आ गई? वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी एम। ध्यान दे क्लास, वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी एम, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद हो जाता, बाकी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। क्लियर? ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों, तो नदी नाव पे एक संभावना होगी, बहुत सिंपल संभावना थी, वहां तो व्यक्ति नदी के साथ ही चल रहा है, नदी के साथ सीधा या उसके विपरीत। अब व्यक्ति नदी को लंबवत पार करना चाहता है, ठीक है ना? लंबवत पार करने के दो क्वेश्चन बनते हैं, आप सब जानते हैं नीट में, या तो न्यूनतम दूरी चल के पार करें या नदी को न्यूनतम समय में पार करें, या तो मिनिमम डिस्टेंस चल के नदी पार करें या मिनिमम टाइम में नदी पार करें। मैं पहला पढ़ा रहा हूं आपको, न्यूनतम दूरी पार करके नदी पार करना, न्यूनतम दूरी चलकर नदी पार करना। शुरू करें बात, आ जाओ। देखो डियर, ये एक नदी इधर फ्लो हो रही है, माना कि नदी का वेग है वी आर जी, पूरी बात बोलूंगा रहे, आर ग्राउंड के सापेक्ष, लेकिन आप इसको नॉर्मली यहां क्या कह सकते हैं? केवल वी आर भी कह सकते हैं। ओके, अब देखो एक व्यक्ति यहां खड़ा है, आप खुद दिमाग लगाओ, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, इस व्यक्ति को मिनिमम डिस्टेंस क्या ये रही? आप जानते हो ना, किसी भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस मिनिमम करनी है तो कौन होती है? परपेंडिकुलर, यानी इस व्यक्ति को यहां से यहां जाना है। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, ये व्यक्ति यदि तैरता हुआ यहां इंटर कर जाए ना तो यहां कभी नहीं पहुंचेगा, ये पानी धक्का देते देते इसको यहां ले जाएगा ना। देखो सीन, देखो यार नदी चल रही है ना, तू प्रवेश कर रहा है तो नदी का धक्का तुझे लग के यहां ले जाएगा, तो दोस्तों ये आपको इसको थीटा डिग्री पे ले जाके वहां पहुंचा देगा। ये मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम तो कहां पहुंचना है? बी पर पहुंचना है। तो मैं क्या करूंगा, इस व्यक्ति को इस थीटा एंगल पे प्रवेश कराऊंगा, तो ये ऐसे देखो धक्का देते देते नदी यहां ले आएगी, इसको प्ले पड़ रही है। तो मैं इस डायग्राम को मिटा के वापस दोबारा बना दूं, आ जाओ बात समझ रहे मेरी? ये लो, ये दोस्तों नदी है जिसका वेग आपका वी आर है और ये डिस्टेंस आपकी
मिनिमम डिस्टेंस, और ये दोस्तों बंदा ऐसे प्रवेश कर रहा है जिसकी स्पीड क्या कह सकते हैं अपने वी एम, ये थीटा एंगल पे प्रवेश करेगा, तो भाई स्पष्ट है इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा वी एम साइन थीटा और एक कंपोनेंट ये है वी एम कोस थीटा। स्पष्ट सुन लो भाई, दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट तो दोस्तों नदी इसको जो अपने साथ धक्का देने की कोशिश कर रही है ना उसको खत्म करने में खर्च होगा, और ये कंपोनेंट नदी पार कराएगा, बस ये काम की बात है। दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट नदी के बहाव का विरोध करेगा कि मैं तेरे साथ नहीं जाने भैया, दूसरा कंपोनेंट नदी पार कराएगा, बस ये ले डियर। तो तेरे सामने सामने एक हो गया वी आर वी एम साइन थीटा, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है वो नदी पार कराएगा, नदी की चौड़ाई क्या मान लो डी, तो दोस्तों टाइम क्या होगा आप जानते हो, टाइम बराबर क्या होता है वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा वेग, डी अपॉन वी एम कोस थीटा। अब तेरे को वी एम कोस थीटा मान लो नहीं दिया हुआ हो तो तू जानता है डियर ये तेरा त्रिभुज है, ये क्या है वी एम, ये क्या है वी आर, तो ये क्या है आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, तो तेरे सामने सामने वी एम कोस थीटा रिप्लेस किससे होगा, ये ले वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, बस डियर ये वैल्यू पुट कर दे तो टी इक्वल टू क्या बन गया डी अपॉन वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। कई किताब इसको यूं लिख देती हैं डी बराबर आदमी के वेलोसिटी को वी कहती हैं, नदी को यू कहते हैं, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर दोस्तों टी का मान आ गया, वी नदी का वेग है सॉरी वी आदमी का वेग है, यू नदी का वेग लिया है, तो तेरे सामने टी इक्वल टू डी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक इक्वेशन देखो दोस्तों ये आ गई, एक रिलेशन ये आ गया, इसका जो भी क्वेश्चन होगा उसको पुट कर देंगे, ये है मिनिमम डिस्टेंस चलकर नदी को पार करना। ओके थैंक यू। हाँ डियर, अब इसकी तीसरी कंडीशन है कि इस नदी को न्यूनतम टाइम में पार किया जाए, मिनिमम समय में पार किया जाए, तो मिनिमम समय में पार करने का मतलब यह है कि नदी का जो बहाव है ना वो भी तेरा साथ दे, तभी तो न्यून समय होगा, एक तेरे स्पीड है एक नदी की स्पीड है। अब देख सपोज कर भाई कि एक व्यक्ति यहां प्रवेश करता है ए से और वो वहां बी पर जाना चाहे तो कभी नहीं जाएगा, ये दोस्तों पानी का बहाव इसको बी से पी बिंदु पे ले जाएगा। माना कि व्यक्ति इधर तैर रहा है वी एम स्पीड से, नदी आपकी इधर बह रही है वी आर स्पीड से, तो ये व्यक्ति ये दोस्तों टोटल डिस्टेंस आपकी क्या है डी है, और ये माना कि ये नदी के सहारे इसको अक्ष दूरी तक ऐसे बहाते हुए ले जाता है, तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि इसको ए से बी तक जाने में टाइम तो होगा कम से कम, टी आपका क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो टी मिनिमम है वो क्या है डी अपॉन वी एम, सीधी सी बात है, इससे कम दूरी तो नहीं है ना, तो वो आपका है डी अपॉन वी एम। अब आप देखो कि अक्ष दूरी कितना है, अक्ष दूरी वो चलेगा नदी के साथ, तो अक्ष दूरी क्या होगा आप जानते हो वेग बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर वेग मल्टीप्लाई समय, कौन सा वेग नदी का वेग मल्टीप्लाई समय, समय क्या है डी वी एम, ये ले तो x इक्वल टू वी आर मल्टीप्लाई डी बाई वी एम, ये क्या हो गया नदी के सारे चली डिस्टेंस है। अब दोस्तों इसका रिजल्टेंट वेग क्या है, ये देखो मेन चीज, ये रिजल्टेंट वेग साफ है यार, एक ये वाला है एक ये है परपेंडिकुलर है, ये रिजल्टेंट है, हम जानते हैं यार दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, तो ये तेरे सामने क्या आ गया वी एम स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो ये क्या होगी वी नेट हो गया। अब वो कहता है साहब तय की गई दूरी क्या है, ये दूरी मान लो कि आपकी वाई है सपोज करो, तो दूरी कितनी तय करेगा, तो दोस्तों दूरी तेरे सामने कितनी दूरी डी है वो दूरी एक्स है, तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर उल्टी कर्ण का स्क्वायर, तो इस नदी आदमी के द्वारा कुल दूरी तय कितनी होगी रे डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। एक बार फिर सुन ले इसको, एक व्यक्ति यहां से प्रवेश करके न्यूनतम टाइम में नदी पार करना चाहता है, तो भैया वो नदी ऐसे धक्का देते यहां ले जाएगी इसको, ये न्यूनतम टाइम है, ये क्या है Vm, ये मैन का ग्राउंड के सापेक्ष है, आदमी का जमीन के सापेक्ष वेग है, ये नदी का जमीन के सापेक्ष है, ये जो वेलोसिटी रिजल्टेंट होगी ना कितनी Vm स्क्वायर प्लस Vr स्क्वायर। खैर तो सबसे पहले आप क्या निकालो T मिनिमम, डिस्टेंस कितनी है D Vm से, x क्या होगा
टाइम मल्टीप्लाई वेलोसिटी, कौन वेलोसिटी, नदी की दिशा में, कौन नदी की वेलोसिटी, तो वो क्या है, तो वी आर मल्टीप्लाई डी बाई वी एम। अब दोस्तों ये तेरा वी नेट क्या हो गया, वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, टी मिनिमम क्या है, टी मिनिमम है डी अपॉन वी एम। अब सपोज कर तेरे को वी एम नहीं दिया हुआ हो, हेलो ये मैं एक और कर दूं, ये काम सॉल्यूशन है, तेरे को सपोज कर ये नहीं दिया हुआ हो तो तू जानता है ये कंपोनेंट क्या है वी एम, ये कंपोनेंट क्या है वी आर, और ये कंपोनेंट क्या आ रहा है, ये कंपोनेंट क्या है, ये कौन है वी एम, ये कौन है वी आर, और ये कंपोनेंट है एम आर, मैन का रिवर के सापेक्ष, ठीक है डियर। तो तेरे सामने वी एम क्या होगा, आप देख ले, एक तेरा एडिशन ये है, एक तेरा जोड़ ये है, ये तेरे सामने है, तो वी एम क्या होगा, वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, क्लियर। तो बस सीधी सी बात, इसकी वैल्यू आपके सामने दे रखी है, वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो ये सारी चीजें घूम के यहीं चलती रहती हैं, ओके थैंक यू। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देखो, एक तो करेंगे ट्रिक से और एक करेंगे इसको पूरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करने के बाद आपको जो ट्रिक वाला सही है। देखो सॉल्यूशन क्या कहता है, आपको साफ कहता है कि तैराक को नदी की धारा के साथ कितने कोण पे तैरना चाहिए, वो कहता है एक नदी इतनी चाल से बह रही, बिंदु ए से प्रारंभ होकर तैराक ये सी तक पहुंच जाता है, वह नदी के सापेक्ष इस चाल थीटा कोण पे है, दोस्तों नदी की धारा के साथ कितने कोण पे बहना चाहिए। देखो डियर ये 400, ये 400, तो ये एंगल आपका हो गया 45 डिग्री, तो गौर करना। अब यहां एक बंदा प्रवेश करता है, वो यहां कहीं प्रवेश करेगा तो ऐसे धक्का लगते लगते इस पे आ जाएगा, तो ये कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा। 40 क्यों हो गया, 400 अपॉन 1 हो गया 10 थीटा, तो उसको आंसर इसका आ गया 53 डिग्री। एग्जाम तो ये नीट तो ये कहती है, नीट भी गुणा भाग बड़ी नहीं है, क्योंकि 45 डिग्री पे इंटर करता है, इस थीटा पे है तो ये 400, तब तो ये 45 डिग्री पे इंटर कर रहा है एक तरह से, लेकिन इसको थोड़ा सा ज्यादा एंगल पे एंट्री करने पड़ेगी, एंगल अपन नाप रहे इधर से ऐसे, तो ये देखो ये यहां प्रवेश करेगा ना, तो ऐसे धक्का लगते लगते किस पे आ जाएगा लास्ट में, ये 45 पे आ जाएगा। ओके डियर इसका आंसर हो गया 53 डिग्री। ओके एक तरीका तो हो गया ये, और एग्जाम ये करना है। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा सोल्यूशन के हिसाब से आपको दूं, तो आप इसको डायग्राम को बनाओ, देखो आ जाओ डियर, ये तो कहानी होगी, आ जाए जी। अगला कहता नदी की स्पीड क्या है भैया, वी आर इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। ओके अगला साहब कहता है वह नदी के सापेक्ष 5 किलोमीटर प्रति चाल, ये 5 किलोमीटर, तो साहब कहता नदी के सापेक्ष है ये व्यक्ति, अर्थ के सापेक्ष नहीं है, यह किस एंगल प्रवेश कर रहा है भैया, थीटा पे, तो इसकी इधर स्पीड क्या होगी 5 cos थीटा, इधर इसका कंपोनेंट क्या होगा 5 sin थीटा। ओके डियर नदी की चौड़ाई क्या है 400 मीटर, ये डिस्टेंस क्या है 400 मीटर। ओके जी तो सबसे पहले आप इसको नदी पार करने का टाइम निकालो, तो नदी पार करने का टाइम क्या होगा, वेग बराबर दूरी बटा समय, समय दूरी बटा वेग, दूरी कितनी भाई 0.4, वेग कितना डियर 5 sin थीटा, बोल हाँ या ना। अब वो टाइम तो यहां से यहां का बोल, चाहे यहां से यहां का बोल, टाइम तो एक ही होता है, एक क्वेश्चन टाइम दो होते नहीं। अब ये जो तेरे डिस्टेंस 400 है वो क्या है, दूरी है, तो वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी कितनी रहे 5 cos थीटा + 1, हेलो नदी पार करनी है दो कंपोनेंट काम आएंगे, 5 cos थीटा + 1 मल्टीप्लाई टाइम, वेग बराबर दूरी बटा समय, वेग गुणा समय, टाइम क्या है बोले 0.4 upon 5 sin थीटा, ये तेरा 0.4 कर दे इसको ले, ठीक है डियर, ये तेरा कैंसिल आउट हो गया इससे, तो तेरे सामने सामने क्या बन गए 5 sin थीटा = 5 cos थीटा + 1। अब ये आगे बहुत लंबा डेरिवेशन है, इसको ट्रिक से करना होता है, आप पेज खाली करें एक बार। देखो दोस्तों ये क्या बना 5 sin थीटा = 1 + 5 cos थीटा, भाई जी कोई रास्ता नहीं मेरे पास है। देखो ये 53 डिग्री कोण जो होता है ना, तब ये 3 होता है, ये 4 होता है, 5 होता है, पुट कर ले भाई, आ जा 5 sin क्या होगा 4/5, 5 cos क्या होगा 3/5, ये क्या है 4, 1 + 3 = 4। अब देख तिरछा कर ले यार, ये नहीं कर पाएगा एग्जाम भाई, मुझे पता है एग्जाम वही कर पाएगा, सीधा ट्रिक 53 डिग्री। ओके थैंक यू। हाँ डियर क्वेश्चन नंबर 17, देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है,
इसमें दिमाग मतलब फिजिक्स की बजाय आपको दिमाग लगाना है, जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। पर ये कहता है बाजीगर है वो, चार गेंदे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता, प्रत्येक एक 1/4 एक बट्टा 4 सेकंड के पश्चात एक गेंद को वह अपने हाथ में पाता है। इस कर्तव्य को करने के लिए वह हर गेंद को कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है? देखो भाई, ध्यान सुनो, मेरे पास चार गेंद है, पहली गेंद मैंने फेंकी, ठीक है, फिर मैं दूसरी फेंकूंगा, फिर मैं तीसरी फेंकूंगा, फिर मैं चौथी फेंकूंगा, ठीक है डियर। अब मेरे पास थोड़ी देर बाद हाथ में गेंद आना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी हर एक 4 सेकंड बाद मेरे पास गेंद आना स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने कुल कितनी गेंद फेंकी भैया? 4। प्रत्येक दो गेंद के बीच का समय क्या है? 1/4। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम का टोटल समय है 1 सेकंड, सीधी सी बात ही है। यानी यह गेंद 1 सेकंड में वापस मेरे हाथ में आएगी, वापस मेरे हाथ में आएगी, इसका मतलब ऊपर जाने में समय कितना लेगी? ये 1/2 सेकंड। बस यार, तो H=2 अपन जानते हैं, UT+ बोल दे चाहे आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, GT2 ये चीज तेरी 0 हो गई यार। तो ये तेरे सामने G का मान 10 है, T का मान 1/2 है, यानी 1/4 है, तो ये तेरा 10/8 है। 10/8 का मतलब 1.25 मीटर होता है, 1.25 मीटर हो गया। बात को समझ, पहली गेंद फेंकी, फिर 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, तो एक और चौथी में समय क्या हो गया? 1 सेकंड। वापस 1 सेकंड, इसका मतलब क्या है? ये गेंद यहां से वापस क्या आई? 1 सेकंड में, तो यहां तक कितना लगा? 1/2 सेकंड। तो निकाल दूरी यार, H=UT+ 1/2 GT2। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, ये सार्थक अंक सिग्निफिकेंट नंबर पे है, इसकी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इसके रूल्स होते हैं आप सब जानते हैं, इसकी थ्योरी आप आराम से पढ़ सकते हैं, और चाहोगे तो ये पूरे सॉल्यूशन के बाद लास्ट में आपको इसकी थ्योरी बता दूंगा मैं। बाकी सिग्निफिकेंट अंक जो होते हैं, अरे सुन लो भैया, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके 7 से 8 रूल हैं जिनको आपको पढ़ना होगा, और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है? तो इसका आंसर अपने बाद में देखेंगे, इसकी थ्योरी पढ़नी तो आप अपने साथ पढ़ लेना। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 जो है अपने आप में परफेक्ट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसका एक बेसिक सॉल्यूशन है वो कराता हूं आपको, और वो फॉर्मूला डायरेक्ट फिर आपको याद रखना होगा भाई कंपटीशन में, क्योंकि इतना सॉल्यूशन आप एग्जाम नहीं कर पाओगे। चलो पूरी बात करते हैं। ये बताओ क्वेश्चन क्या पढ़ दो आप, ये प्रश्न बताओ ऐसे, मैं बताऊँ आपको, ये क्या कहते हैं? गाड़ी खड़ी है, इंजन स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ी, तो पहले चली ये त्वरित गति से, फिर ब्रेक लग गए और गाड़ी रुक गई। ये है, इसका मतलब है, खाली करें दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये है कि हम टी और वी के बीच कर्व खींचें तो ये ऐसा कर्व आएगा। पहले गाड़ी क्या है? रेस्ट कंडीशन में है। फिर गाड़ी क्या हुई? एक्सीलरेट। क्यों? आप देखो ना, वी और टी की स्लोप क्या है? पॉजिटिव। फिर गाड़ी के ब्रेक लगा दिए तो रिटार्डेशन हो गया। दोस्तों अपन एक काम करते हैं, इसको अपन कह देते हैं ए बिंदु, इसको कह देते हैं बी बिंदु, इसको कह देते हैं सी बिंदु। ओके डियर, अब एक बात आप जानते हो, ये क्या है? ये इस गाड़ी के द्वारा प्राप्त मैक्सिमम वेग है। कौन सा वेग है? मैक्सिमम। इस प्रकार के प्रश्नों में दो ही बात आती हैं, इस गाड़ी का मैक्सिमम वेग क्या होगा और रुकने से पहले इस गाड़ी के द्वारा कवर डिस्टेंस क्या होगी। ये दो निकाल देता हूं आपको मैं, इस गाड़ी के द्वारा अधिकतम वेग क्या प्राप्त किया जाएगा और ये गाड़ी कुल कितना दूरी तय करेगी। ओके डियर, चलो जी अपने काम करते हैं भैया, शुरू हो जाते हैं। ले सबसे पहले आप देखो पाथ ए बी, ध्यान दे क्लास, पाथ ए बी, माना इसका एक्सीलरेशन अल्फा है तो इसकी स्लोप अल्फा है और इसकी स्लोप क्या है? बीटा है, स्लोप ही होती है ना। बस डियर, तो पथ ए बी पर आप अच्छी तरह जानते हैं डियर, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी भैया? वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक बात और सुन लो, माना कि टोटल टाइम आपका टी है, तो ये समय अपन टी डैश कह दें तो ये समय कितना बचेगा पीछे? टी माइनस टी डैश। ओके, टोटल समय टी है तो माना टी डैश तक एक्सीलरेट है, तो टी माइनस टी डैश समय तक क्या रहेगी दोस्तों? ये रिटार्डेड होगी, बंधित होगी। अब देख वी, वी तेरे को पता है, इसका वी किस पथ का? ए बी का। यू क्या है? जीरो। ए क्या है? अल्फा। टी क्या है? टी डैश। देख पथ ए बी, ध्यान सुन ले, लंबा नहीं है, मैं तो एज ए क्लास पढ़ा रहा हूं तेरे को। ए से बी में टी क्या है? टी डैश। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। ए बी पथ की मैक्सिमम स्पीड क्या है? v, जिसको आप v मैक्सिमम कह रहे हैं। ओके डियर, तो तेरे सामने v इक्वल टू अल्फा टी डैश आ गया। ओके, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों? v अपॉन टी डैश, या एक सॉरी इसको जरूरत ही नहीं है, तो v इक्वल टू क्या आ गया? अल्फा टी डैश। अब एक बात ध्यान देना, अब मैं पथ
बी सी की बात करूं तो गौर करना रहे, बी सी पथ में बी की जो स्पीड इनिशियल है वो ए बी पथ की फाइनल स्पीड है। हेलो, बी सी पथ में बी पर जो स्पीड इनिशियल है, जो प्रारंभिक वेग है, वो ए बी पथ का अंतिम वेग है। ओके डियर, यहां फॉर्मूला क्या काम आएगा, v इक्वल टू यू माइनस बीटा टी, टी माइनस टी डैश। हेलो डियर, माइनस क्यों आया, रिटार्डेशन है। v क्या है, v क्या है, बीसी पथ का अंतिम वेग वो क्या है, जीरो। u क्या है, बीसी पथ का इनिशियल, ए बी पथ का फाइनल, कितना हर है, अल्फा टी डैश। हेलो, अल्फा टी डैश माइनस बीटा टी माइनस टी डैश, ये सॉल्यूशन है। तो अल्फा टी डैश इक्वल टू बीटा टी माइनस बीटा टी डैश, टी डैश टी डैश एक तरफ कर देख, ये रहा अल्फा टी डैश प्लस बीटा टी डैश इक्वल टू बीटा टी। मैं दोस्तों टी डैश यहां ऐसे कर दूं तो तेरा क्या बचा रहा है, बीटा अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई टी, ये तेरा टी डैश आ गया। इस टी डैश की वैल्यू मेरे भाई इस v के अंदर पुट कर यहां देखे तो v इक्वल टू क्या है, अल्फा अल्फा, और ये कौन है टी डैश, तो दिस बिकम्स अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई टी। ये ले भाई, ये इस पार्टिकल का अधिकतम स्पीड है, मैंने टी डैश की वैल्यू पुट कर दी, v इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई टी। इस प्रकार के प्रश्न में यदि अल्फा दिया हुआ हो, बीटा दिया हुआ हो, टोटल टी दिया हुआ हो और ये पूछे इस मोशन के दौरान इस बॉडी की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, तो आंसर होगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई टी। क्लियर, ये होगी इसकी मैक्सिमम स्पीड। अब अगला कहता है साहब ये बताओ इस गाड़ी ने रुकने से पहले दूरी कितनी तय की। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूं, दोबारा डायग्राम बनाता हूं, ए ये कर दिया, आ जाओ आ जा भैया, ये तेरे सामने डिस्टेंस क्या है टी डैश, ये क्या है डियर टी माइनस टी डैश, ये तेरा क्या है वी मैक्सिमम, जो कितना है अभी निकाला ना अपने, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई टी बोल, हाँ आना है ना। बस अब तेरे सामने ए बी सी, इसको कह दे पी, तो दो ट्रायंगल हैं, ए बी पी का एरिया और बी पी सी का एरिया, दोनों की एरिया निकाल दे यार, एरिया निकाल के जोड़ कर दे। ओके, तो अपने साफ साफ क्या कहेंगे, एस क्या होगा, एरिया इक्वल टू ए बी पी प्लस एरिया बी पी सी। आ जा, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई, आ जा तो हाफ आधा, बेस क्या है रहे टी डैश, हाइट क्या है वी मैक्सिमम, हाइट क्या रहे वी मैक्सिमम, ये ले वी, इसको वी लिख दे, खास बात नहीं कोई। फिर आ जा, इसका क्या है हाफ, ये कौन है तेरा टी माइनस टी डैश, वो क्या है, वो तेरा वी, आ जा बहुत तेरा है, तो एक बट्टा हाफ टी डैश वी प्लस हाफ टी वी माइनस हाफ टी डैश वी कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों ये आपका आपका कुछ नहीं है, हाफ टी वी, हाफ टी वी, बस वी की वैल्यू पुट कर दो, कलर चेंज कर ले तेरे लिए, ये ले, तो एस इक्वल टू हाफ वी, क्या है रे अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, देख एक टी तो यहां है एक टी वो है, तो दोस्तों ये इक्वेशन आ गई टी स्क्वायर, तो दोस्तों यहां एस इक्वल टू आ गया अल्फा बीटा हाफ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन गया। क्लियर, अब मैं इसको लगाता हूं तेरे क्वेश्चन में, बिटा भैया आ जा, अब मैं कुछ नहीं कहता, अगला कहता अल्फा की वैल्यू दो बीटा की वैल्यू तीन, डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, मीटर में चेंज कर दो। अगला कहता इसमें समय कितना लगेगा, ये ले यार एस हाफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, एग्जाम ऐसे करना है। अब आपको इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, तो डेरिवेशन करना ही पड़ेगा, मैं कहता सीधा याद कर ले, तू कहता रटा मरवा दिया, बस आ जा डियर, एस बोले तो 6 किलोमीटर यानी 6000, ये एक बट्टा दो सीधा कर दूं, अल्फा दो बीटा तीन, ये तेरा 6, ये तेरा 5, ये तेरा टी स्क्वायर, ये तेरा 10, 10 इधर जाएगा तो ये 60000, ये 6, एक बिंदी और लगा दे भैया, चार बिंदी कर दे, 6 से डिवाइड कर दे,
इक्वल टू तेरा टी स्क्वायर आ गया, ये तेरा क्या है 10,000, रूट कर ले आंसर कितना आ गया 100 सेकेंड, तो वो दीजिए, तो कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम में एस है हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, और अगला वी मैक्सिमम पूछे तो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई टी। ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपन जानते हैं, वो कहता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में दोस्तों आप जानते हो कोई एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है इक्वल टू जीरो होता है, फिक्स है, क्यों ए बी कोस थीटा, तो कोस का मान जीरो कब होता है जब थीटा 90 होता है, तो ये तरीका होता है ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अगला स्पष्ट कह रहा भैया कि ए बी सी सब एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो मैं देख थोड़ा सीधा कर दूं यहां पर ए डॉट बी इक्वल टू आ जा कर ले, देख इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बचेगा ए, जे को इससे करेगा तो क्या बचेगा बी, के को के से बचेगा तो एक, इक्वल टू क्या है जीरो। चल भैया सीधा कर दो ना, इतना तो कर सकता है, सेशन एंड हो रहा भाई। बी डॉट सी तो आई को आई से गुणा कर एक, बी जे को जे से गुणा कर क्या बचेगा बी, के को सी के से गुणा कर क्या बचेगा सी, इक्वल टू क्या है जीरो। अब तेरा कौन है सी डॉट ए, एक बात आप जानते हो ना ए डॉट बी और बी डॉट ए फर्क नहीं होता, याद करना ए क्रॉस बी अलग होता है बी क्रॉस ए अलग होता है, इस पर यहाँ फर्क नहीं पड़ता है। ओके सी डॉट ए तो दोस्तों ए ए, तो ये आपका ए आ गया, जे से जे को मल्टीप्लाई करो 1 आ गया, सी के को मल्टीप्लाई करो सी से तेरा क्या आ गया जीरो। ए ये ले, तो टाइम लग रहा है आराम से करेंगे। अब देख तो खुद कहता है ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन, बी प्लस सी इक्वल टू माइनस वन और ए प्लस सी इक्वल टू माइनस वन। ओके डियर आप ऐसा करो, इसको समीकरण एक कह दो, इसको दो कह दो, इसको तीन कह दो, आ जा जी 1-2 करे एक बार, तेरी पूरी बात कर दूंगा यार, 1-2 करेगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तेरे सामने सामने a माइनस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। स्पष्ट है भाई, एक में 2 माइनस करेगा तो ये माइनस ये माइनस ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट है, तो a माइनस सी इक्वल टू क्या हो गया तेरा जीरो। ओके डियर दूसरा इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन क्या तेरे पास है a प्लस सी इक्वल टू माइनस वन, ये देखिए रही 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 कलर चेंज कर दो तेरे लिए, ये देख a प्लस सी इक्वल टू माइनस वन, बस ये डियर कैंसिल आउट, तो तेरे सामने 2a का मान क्या है माइनस वन, तो a का मान क्या आ गया माइनस हाफ। अब तो खुद देख a का मान माइनस हाफ है तो a c के इक्वल है तो c का मान भी क्या आ जाएगा माइनस हाफ, तो c का मान माइनस हाफ a का मान माइनस हाफ, तो b का मान निकाल ले यार, आ जा यहाँ आ जा, तेरा देखिए b प्लस सी प्लस एक है, देख ये एक ये तेरा b, c का मान क्या है माइनस हाफ, तो इसमें से गया तो ये प्लस हाफ उधर जाएगा माइनस, तीनों माइनस हाफ हो गए, तो ये यार ये आंसर नंबर 2। ओके थैंक यू। हाँ डियर क्वेश्चन नंबर 21, ये भी 1D का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप पढ़े क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लिया, अब मैं बताऊँ क्या है। एक आदमी हवाई जहाज से कूदा, कूदा तो पैराशूट से कूदा, वो तो आप जानते हो कूदते नहीं खुलता पैराशूट, वो कहता है कि 50 मीटर गिरने के बाद उसका पैराशूट खुलता है, इसका मतलब है हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से मान लो वहां से लेके 50 मीटर तक तो एक पिंड की भांति गिरा हो, किसके अंदर जी के अंदर का, उसके बाद वो कहता जब भी इससे खुल जाएगा पैराशूटर, वो फिर धीरे धीरे आप जानते हो ऐसे मंदन से, किस मंदन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दर से होता है, और वो धरातल पर 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से पहुंचता है, तो बताओ कितनी ऊंचाई से कूदा। ठीक है पेज खाली करें भाई, देखो डियर तरीका सीधा सा ही है, माना कि यहां कोई हवाई जहाज है, ये पहले कितना गिरा 50 मीटर, ये लो जी, तो यहां u इक्वल टू इसका क्या है जीरो, 50 मीटर तक गिरा उसके बाद, तो इसके दो रास्ते हो गए पथ ए बी और सी, ए बी पथ में वो गिर रहा है एक बॉडी की तरह, किसके अंतर्गत जी के अंतर्गत, बी सी में क्या खुल गया उसका पैरासूट। ठीक है डियर वहां वो किससे गिर रहा है मंदन से, मंदन कितना क्वेश्चन दिखाना भाई एक मिनट, यहां पर 2 हटाओ वापस, तो यहां मंदन क्या है a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां किस वेग से टकरा है दिखाना, आंसर दिखाना, वो टकरा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके डियर आ जा, अब आप पथ ए बी की बात करो रोज, पथ ए बी की बात करो, पथ ए बी कितना मीटर है 50, आप जानते हो v आपको निकालना है, u क्या है इसका जीरो, डिस्टेंस दे रखी है, तो मैं आप कहो तो फोन लगा दूं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as,
ठीक है डियर, वी स्क्वायर मुझे निकालना है, यू स्क्वायर मेरा जीरो है, ए बोले तो जी टू जी एच, ले टू जी एच क्यों, किसमें गिर रहा है, फ्रीली गिर रहा है, और डियर जी का 10 9.8 नहीं लूंगा जी, और एच की वैल्यू कितनी है भाई 50, तो डियर वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया रही है 1000 हो गया, 1000 का रूट करेगा तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, यानी दोस्तों इस बॉडी की अब यहां स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकंड से चल के ये कहां तक पहुंचेगी 3 मीटर पर सेकंड से, किस से 2 से, इसके द्वारा तय की गई ऊंचाई बतानी है, ये इतनी बात तो है ना, ये तो क्वेश्चन निकालना अपने को बस। हाँ तो डियर आप एक बार फिर देखें कि पथ ए बी जो है वो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh कर दो, तो v की वैल्यू तो क्या है अंतिम निकालना, u इसका 0 है, g 10 मान लो, h 50 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 1000, तो v का मान आ गया दोस्तों रूट 1000, ठीक है, रूट 1000 को अपन 10√10 भी कह सकते हैं, पर ऐसे ये कौन है, यहां की स्पीड है, इस पथ की स्पीड है, यानी इसकी u इसकी v कितनी भैया रूट 1000। अब दोस्तों आप आगे चलो, अब आगे चलो तो आप देखो पथ BC, एबी पथ की अंतिम स्पीड, बीसी पथ की इनिशियल स्पीड, बस ये खास बात है इसमें, और यहां रिटार्डेशन हो रहा है भैया, तो फॉर्मूला काम आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, तेरे को s निकालना ना, तो s क्या होगा रे, इसको इधर ले जा, तो ये तेरा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a, बोल आया ना, 2as इधर आएगा, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a आ जाए डियर s, यू स्क्वायर इनिशियल u स्क्वायर माइनस इधर आएगा, u स्क्वायर क्या है इनिशियल, क्या है इनिशियल, ये रहा इसका स्क्वायर है कितना हो गया 1000 माइनस v अंतिम, ये आपका कितना है 9 अपॉन 2, a कितना डियर 2 4, तो तेरी s की वैल्यू है ये 991/4, इसमें भाग दे, 4 का भाग गया 2 बार 8 1 19, 4 चौक 16 3 1 7 चौक 28, 247, ये डिस्टेंस कितनी है, गुणा भाग देख लेना 247 तो ये है, लेकिन 50 तो ऊपर पहले से था ना इसका यार, तो ये 7 9 297, आंसर क्वेश्चन निकालना भाई, ये 297 इसका मतलब गुणा भाग मैंने किया है तो ये 293 के आसपास इसका आंसर कहीं आएगा, ओके डियर गुणा भाग देख लेना यार इतना टाइम तो, ओके इसमें एक बात सुनना, पहले वो गिरता बॉडी की तरह फिर गिरता वो रिटार्डेशन में, तो दो अलग चीजें हैं, ओके थैंक यू। हाँ डियर क्वेश्चन नंबर 22, इस पे वेक्टर का एक बहुत अच्छा उपयोग है, इसको आप देखें, देखो ये क्या है, सुनो प्रश्न क्या है, पढ़ लो प्रश्न, पढ़ लो बार, ये कहता है कि व्यक्ति यार ईस्ट की ओर जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको हवा उत्तर से आती हुई नजर आ रही है, नॉर्थ से, ऐसा है नहीं, अब वो कहता है स्पीड को दुगना कर दूं तो मेरी हवा ईस्ट वेस्ट से आती हुई मुझे प्रतीत हो जाए, तो हवा का वास्तविक क्या, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है आ जाओ जी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पहला केस देखो, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, लो जी भैया ये पूर्व की ओर व्यक्ति का वेग वी एम, ओके हवा उत्तर से आती हुई नजर आ रही है, ये ले डियर ये हवा विंड किसके सापेक्ष रहे, मैन के सापेक्ष, क्लियर, बस अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगा इसमें, ए वी डब्लू एम इक्वल टू, अब ये तो पता है यार तेरे को ये क्या होता है वी डब्ल्यू माइनस वी एम, जानते हो ना विद रिस्पेक्ट बोलते हैं इसको, तेरे को क्या चाहिए वी डब्ल्यू, सारा खेल किसका है वी डब्ल्यू का, तो वी डब्ल्यू क्या होगा वी डब्ल्यू एम प्लस वी एम, तो ये तेरे क्या बना इसका एक ट्रेंगल बना, इसका एक त्रिभुज बना, तो इसको मिटा दूं और जैसे अगला कहता वैसे वैसे कर दूं, तो देख वी डब्ल्यू एम नीचे की ओर है ए, ये ले वी डब्ल्यू एम, ये तेरा किधर है पूर्व की ओर है, क्या है रे वी एम, तो दोस्तों ये अपने आप ही तेरे सामने क्या आ गया भैया वी डब्ल्यू आ गया, बट ये एंगल थीटा है, अब मेरे पास तो केवल और केवल भैया एक व्यक्ति का वेग वी एम दिया हुआ है, मेरे पास तो थीटा भी नहीं है, तो आप जानते हो कोण और एक तो चिचिए चाहिए ना, वो अगले स्थिति से आएगी, ओके डियर। अब देखो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में आपके पास ही आ गया,
बट हमारे पास थीटा नहीं है। एक्चुअल में सेकंड कंडीशन दी है जो आपको थीटा बताएगा। क्या है सेकंड कंडीशन? चाल को दुगना कर दिया जाए, ये ले भैया चाल को दुगना कर दे, मैन की चाल को दुगना करके छः कर दिया। तो हवा आपको उत्तर पूर्व से, ये उत्तर पूर्व होता है, हवा आपको उत्तर पूर्व से आती दिखाई दे रही है। तो VWM डैश करना पड़ेगा, विंड मैन के सापेक्ष है, लेकिन ये सेकंड कंडीशन की होगी। ठीक है डियर, तो अब आपके सामने ये आपके इस तरीका बन गया। तो अब आप खुद देखो VWM डैश इक्वल टू, तो वही तरीका VW माइनस VM, VW तो डैश लगाना पड़ेगा, इसके भी डैश लगाना पड़ेगा, इसके भी डैश लगाना पड़ेगा। ठीक है डियर, अब आप आ जाए तो VWM डैश इक्वल टू VWM कर दो इसको, तो हट जाएगा डैश, ये तेरा क्या है एम डैश। अब तेरे को क्या चाहिए? VWM चाहिए ना, तो VWM तेरा ये एंगल बना हुआ है, तो तेरे सामने इसका तू बनाएगा VWM, सब पे वेक्टर है भैया ध्यान रखना चीज का, तो VMW डैश प्लस VM डैश, बस अब बना। देख VMW डैश तो ऐसे होता है, देख कैसे एरा एरा, ठीक है। VM डैश किधर है? इस तरफ है, तो ए ये तेरे सामने आ गया। तो दोस्तों ये अपने आप ही क्या बन गया भैया, ये ले कौन बन गया, ये बन गया VMW, ये क्या है VM डैश। दोस्त ये छह है याद कर, तो यहां तक तीन काउंट हुआ ना, तो तीन उधर जाएगा, तीन उधर डबल किया वेग, तीन उधर गया तीन इधर गया, इसका मतलब जैसा त्रिभुज इधर है वैसा इधर बनेगा। तो इसकी सहायता से एंगल की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, बस इतना ही देखना इसके अंदर केवल, बस अब आपका एंगल आ गया 45 डिग्री। तो अब आप खुद देख लो कि तेरे पास एंगल है, तेरे पास VM का मान है, तुझे क्या चाहिए VW, तेरे पास लंब है, करण है, एंगल है, तो वो कौन होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा VM अपॉन VW। अब देख VW इक्वल टू क्या आएगा VM अपॉन साइन थीटा। VM कितना डियर तेरा तीन है, और साइन कितना है 45, वो होता है 1/√2, तो ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ गया 3√2। क्लियर, सेकंड स्टेज केवल 45 डिग्री एंगल निकालने का काम आ रहा है। ओके थैंक यू। हाँ तो डियर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, ये भी वेक्टर का अल्टीमेट क्वेश्चन है। एक बात याद रखो इस क्वेश्चन पढ़ने से पहले, एक वेक्टर आर दूसरा वेक्टर आर, यदि उनको 120 डिग्री पे, याद है ना 120 डिग्री एंगल पे उनका जोड़ किया जाए, तो आर और आर का सम भी क्या होगा आर, याद है ना, आर आर जीरो पे जोड़ो तो 2R, आर आर 90 पे जोड़ो तो √2R, आर आर को 120 पे जोड़ो तो R, आर आर को 180 पे जोड़ो तो 0। क्लियर, बस यही सुंदरता है इस क्वेश्चन की। आ जाओ पढ़ लो क्या कहता है, वो कहता है व्हाट इज द, आप पढ़ लो पूरा लो। अगला साहब कहते तीन समतलीय सदिश हैं 300 400 400 जो धनात्मक अक्ष दिशा के साथ, आ जाओ जी धनात्मक अक्ष दिशा के साथ 0 डिग्री पे, यानी इधर आपका लग रहा है 300 न्यूटन, फिर लग रहा है दोस्तों एक 30 डिग्री पर कितना रहे 400 न्यूटन, फिर लग रहा है 150 डिग्री पर कितना रहे 400 न्यूटन। देखो दोस्तों ये 30 ये 150 ये कितना बच गया रे वीडो 120 का मतलब 400 का कितना हो गया 400, और बीचों बीच मिड में से इसके मिड में, मिड का मतलब 60-90 डिग्री पे, ये ले सड़क, ये तेरा कितना है 300 न्यूटन, और ये तेरा कितना है 400 न्यूटन, और ये इसका क्या हो गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट कितना है, तो ये एंगल थीटा है, तो जानता है डियर ये 300 ये 400, तो ये अपने आप कितना हो गया 500, याद कर ले रहे भैया 3 4 5 जब भी होता है ये एंगल हमेशा 53 डिग्री होता, गांठ मान ले भैया ये 53 डिग्री होगा, ये 37 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये ले 500 न्यूटन 53 डिग्री आंसर आ गया। रुक एक मिनट, 300 फिर 30 डिग्री पे 400 फिर 150 पे 400, तो ये 120 पे कितना हुआ 400, इसका बीच का 60 30 90, इसके एग्जैक्ट 90 हो गया, ये 400 ये 300, तो ये कितना हो गया 500 हो गया त्रिभुज, 300 का स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर। अब याद रख फिर ऐसे ये 53 डिग्री, अब ये एग्जाम में आपको साहब हमें थोड़ा याद 53 कैसे होता है, ये कुछ डेटा याद रखने पड़ेंगे, 53 डिग्री 37 डिग्री और ये आपका दोस्तों 90 डिग्री। ओके थैंक यू डियर, क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका एक डायरेक्ट डेटा है जो याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन करके भी मैं लॉक कर देता हूँ। वो कहता है भाई एक वस्तु को मीनार के किनारे से गिराया जाता है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं ये। देखो दोस्तों ये कोई मीनार है
और यहाँ से किसी बॉडी को अपन गिराएं u इक्वल टू जीरो से, तो एक सेकंड में कितना चलेगी, दो में कितना चलेगी, एक मैं आपको निकाल के बता दूं लो, h इक्वल टू होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है डियर, u आपका जीरो है, दिस इज हाफ, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 1, तो ये 5 है, ये 5 मीटर हो गई बस दो में। अब मैं आपको जो है चीज सीधे याद कर देता हूँ, आपको याद करनी होगी, एक सेकंड में चलेगी 5 मीटर, दो सेकंड में चलेगी दोस्तों ये 20 मीटर, तीन सेकंड में ये चलेगी 45 मीटर, चार सेकंड में चलेगी 80 मीटर और पाँच सेकंड में चलेगी 125 मीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक सेकंड में 5, फिर दो में 20, फिर तीन में 45, फिर अब ये प्रश्न क्या कहते हो गया ना, अंतिम दो सेकंड में 40 चल रही है, एक में 5 चलती है और तीन में 45 चलती है, तो लास्ट दो में 40 चल गई ना, इसका मतलब ये वस्तु पृथ्वी पे आने में कुल कितना समय ले रही है, 3 सेकंड है, और 3 सेकंड में कुल कितना चलती है, 45, ये ले आंसर आ गया 45। सारी चीजें दिमाग फिजिक्स से नहीं होती हैं। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या सॉल्व कराऊं, एक बात याद रख लो, 1 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 6080 फीट, यानी 6080 फीट होता है, बस चेंज कर दो बाद में आ रहा है, चेंज करना है तो 1 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 6080 फीट, बस याद रखे इस चीज को। और एक फीट में दोस्तों मीटर होता है 1/3.28 मीटर, ये भी सब गणित है, कर लोगे। ओके थैंक यू। तो इसका आंसर जो भी इसने दिया है लगभग 9.26 मीटर पर सेकंड का आंसर दिया है, सेकंड आंसर दिया इसने, कोई मुद्दा नहीं है ये, मैं कोई क्वेश्चन नहीं अपने आप में, ठीक है, डेटा बेस क्वेश्चन है आता तो ठीक, भैया 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं क्या वही बात है यार। ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, ये अच्छा क्वेश्चन, याद करो हमारे प्रीवियस पेपर किए थे 2013 से लेकर 19 तक के, तब करीब करीब हर साल ये क्वेश्चन एक आ रहा था, आज वो क्वेश्चन क्या कहता है, तो बहुत सिंपल है यार, बस जानते हैं। देखो दोस्तों जेड का एक रिलेशन दे रखा है, जेड और वाई की एरर दे रखी है परसेंटेज में और एक्स के बारे में पूछा है, तो ठीक है डियर, तो जेड इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर वाई रूट, बस ठीक है, आ जाओ जी पेज खाली करें, आपको किसकी चाहिए भैया, एक्स की चाहिए ना, तो सबसे पहले दोस्तों इसको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आ जा भैया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या भैया, जेड ए वाई की पावर 1/2, अब अक्स रूट कर तो ये तेरा जेड क्या हो गया, रूट, ये तेरा ए क्या हो गया, रूट, बट वाई क्या हो गया, 1/4, क्योंकि रूट पहले से है ना, बस अब चल आगे, ये देख जेड 1/2, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं रही, फिर रख, खास बात नहीं है, वाई 1/4 आ जा डियर, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1/2 डी जेड वाई, ए को भूल जा, ये कांस्टेंट है, डी वाई अपॉन वाई, दोस्तों वैसे देखा जाए तो माइनस है, ऊपर जाके माइनस होता है, बट इस एरर में माइनस का रोल नहीं होता है। अब देख क्वेश्चन के अंदर मुझे दे रखा है डी जेड बाई जेड, कुछ दिखा एक मिनट, देखो भाई डी जेड बाई जेड, जेड की एरर कितनी है 10%, आ जाओ वापस आ जाओ, तो ये कितनी है 10, ये 1/4, वाई की एरर है 12%, ये 5 और ये 3, 5+3 कितना हो गया दोस्तों 8%, ये जानते हो ना परसेंट सब जुड़ जाते हैं लास्ट में। ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में आप जानते हो एक फंडा होता है फिजिक्स का, एक्स मतलब लेफ्ट साइड की डायमेंशन इक्वल टू राइट साइड की डायमेंशन, कुछ नहीं करना इसमें, केवल आपको डायमेंशन चेक करनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है, वो सिंपल है। अगर साहब कहते हैं विद्यार्थी ने 4 समांतराल वाली गति, समय टी है, आयाम ए, आयाम का मतलब किसमें होता है मीटर में, आवर्तकाल टी है, बताओ कौन सा सही हो सकता है, आ जाओ जी, आपको दोस्तों लेफ्ट साइड की डायमेंशन इक्वल टू राइट साइड की डायमेंशन चेक करनी है। देख भाई मेरा जहां तक इसमें है कि y इक्वल टू ये a है, तो y मीटर में है, a मीटर में है, तो यहां मीटर गुना टाइम हो गया, ये नहीं हो सकती, y मीटर में है, a मीटर में टाइम का भाग लग गया, ये नहीं हो सकती, तेरे सामने वही है a मीटर में है, ये नहीं हो सकता, ये रूट दो कॉन्स्टेंट है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो y भी मीटर में, a मीटर में, इसका आंसर क्या हो गया, 4th हो गया, ठीक है, कुछ नहीं करना था, डायमेंशन चेक करनी थी केवल। थैंक यू। देखो दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एग्जाम आती भी है, को ध्यान से देख लो, v की वैल्यू है 100 ± 5, यानी 100 के पीछे 5 की करेक्शन, और i में 10 के पीछे 0.2 का करेक्शन, देखना चीज का ये इसके पीछे करेक्शन है, तो ये कहता है कि r में परसेंटेज एरर क्या होगी। देखो दोस्तों हम जानते हैं r इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन i, तो फॉर्मूला एक्चुअली बनेगा डेल्टा r इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा i अपॉन i, ये माइनस नहीं आता, बार बार कह रहा हूँ मैं, ऊपर जाके खत्म हो जाता है, परसेंटेज
100 से मल्टीप्लाई कर ले परसेंटेज यार, डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी बाई वी क्या है देख, तेरा साथ दे थोड़ा सा क्लास, डेल्टा आर बाई डेल्टा वी 5/100, ध्यान दे चीज पे, किसके पीछे चेंज हुआ है, 5 के पीछे, 100 प्लस ये क्या है 0.2/10, बस ये दोस्त 5/100 है, तो ये तेरा 0.05 है, ये तेरा 0.02 है, ये सब मिलके 0.07 हो गए, 0.07 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो तेरा कितना परसेंट एरर आ गई रहे, 7% एरर आ गई, आंसर हो गया दोस्त थर्ड। थैंक यू, ध्यान सुन ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये चिन्ह प्लस का क्यों आया आप जानते हो, क्योंकि एरर हमेशा प्लस में रहती है। थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 जो है ना, ये एग्जाम में आने की संभावना मानता नहीं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। इसमें क्या होता है कि एक प्रयोग में 5 ये इसके टाइम पीरियड है, औसत निरपेक्ष त्रुटि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। देखो इसका करने के लिए सबसे पहले इसका जो क्या निकलता है, टी मीन निकलता है, मैं आपको चीज बताऊं तो टी मीन का मतलब क्या है, इन पांचों को जोड़ो, जोड़ के 5 का भाग दो, तो वो जो गुणा भाग मैं करूंगा उसकी वैल्यू आएगी 2.62 सेकेंड। ध्यान दे क्लास, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो 5 को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दिया, तो दोस्तों इसकी वैल्यू आई 2.624, एक और लगा दे से, ऐसे 3 डिजिट में है। ठीक है डियर, अब आपको इसकी एरर निकालनी है, तो डेल्टा T1 की एरर, डेल्टा T2 की एरर, तो वो जो एरर है वो तेरी आएगी T1 - T mean, समझ रहा है, फिर डेल्टा T2, तो T2 की वैल्यू माइनस टी मीन, ऐसे आपको डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 सब निकालने, उन सबको जोड़ के फिर 5 का भाग देना है, तो उसकी वैल्यू आएगी 0.11 सेकेंड। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, एग्जाम में इस तरह नहीं आती है। देखो पहले इन 5 का जोड़ करके एवरेज मीन निकालना होगा, फिर डेल्टा T1 ऐसे है, फिर डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 डेल्टा T3 डेल्टा T4 डेल्टा 5 फिर 5 का भाग दे, तो खुद सोच ले एग्जाम में आ सकता है क्या, आएगा तो केवल गणित तो है। ओके थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 ये सिग्निफिकेंट नंबर पे है, मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहूंगा, मैं 2-3 क्वेश्चन है, मैं इतना चाहूंगा सिग्निफिकेंट नंबर पे आप अपने थ्योरी के कुछ पॉइंट्स है, उसको 8-10 पॉइंट है वो पढ़ ले, सिंपल हिस्ट्री है, और उस पे अपने 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ओके डियर, 30 क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 ट्रिकी है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा घुमा रहा बात, ये कहता है कि एक नई पद्धति है कोई, जिसमें लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मास 100 ग्राम है, टाइम 0.01 सेकेंड है, तो इस मेजरमेंट में न्यूटन क्या हो जाएगा। ओके तो सबसे न्यूटन का मतलब फोर्स, तो फोर्स के डायमेंशन बनाओ, m1 l1 t-2, यूं कह सकते हैं m1 l1 और t2, बस वैल्यू पुट कर दो, m का मतलब मास, 1000 100 ग्राम, तो ग्राम को किलो में चेंज करो, 10^-3, l डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10^-2, टाइम क्या आ रहा है 0.01 सेकेंड, तो 0.01 × 0.01, भाई तेरे सामने सामने है ये 10^4 ऊपर जाएगा, सब तू सॉल्यूशन कर ले, ये तेरे सामने आंसर क्या आ जाएगा डियर, 50 आंसर आ जाएगा, ले भैया ये ले जी आंसर आ गया। तो इसमें कोई मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो डायमेंशन देता है उसकी विमा लिख के उसकी वैल्यू पुट कर दो, एमकेएस पुट कर दो, आंसर निकाल, न्यूटन किसका मात्रक है, एमकेएस का ना, तो एमकेएस में जाएगा। ओके थैंक यू, देखो डियर क्वेश्चन में 32 है वो डायमेंशन क्वेश्चन है। अगला कहता है माना एक राशि वाई को विमीय रूप MLT के मान में प्रदर्शित करते हैं, y = MALBTC, तो एम को कैसे पहला है a = 0, देखो a = 0 पुट करते तो एम यहां से गायब हो जाएगा, इसका एक ही तरीका है m ≠ a, जो है वो कभी भी इक्वल जीरो के नहीं होगा, तो इसका आंसर सेकंड हो गया। आगे चले, हमेशा नहीं हो सकता कभी नहीं, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया सेकंड कि LTY तथा Y के मान में इसको कर सकते प्रदेश होते जब a ≠ 0, सिंपल सा ए डायमेंशन क्वेश्चन। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 ये वैसा ही क्वेश्चन है, 1D, 2D, 3D का मिक्सर टाइप। देखो क्या कहता है, पार्टिकल मूव अलोंग अक्ष डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम गिवन बाई x = 3t³ - 3t²40 इन s यूनिट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सीलरेशन इज 0। देखो दोस्तों अगला कहता है x और t का रिलेशन दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी निकालनी है कब, जब उसका एक्सीलरेशन 0 हो, तो कहने का मतलब इसको आपको 2 बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। आ जाओ जी, x = 2t³ - 3t²+4t, आ जा लड़के, v क्या है रे, dx/dt, चल सोल्ड कर ले, ये नीचे आ गया तेरा, तो क्या हो गया 6t²-6t+ क्या हो गया
फोर ए क्या होता है भैया, ए तेरा है डी वी बाई डी टी, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हुआ 12t - 6 इक्वल टू जीरो। आपको साफ कहता है जब उसका त्वरण शून्य हो तो तेरे सामने सामने भैया t इक्वल टू क्या आ गया, हाफ आ गया ना, 12t 6 टू इक्वल टू हाफ, t इक्वल टू हाफ पे क्या चाहिए तेरे को वेलोसिटी, तो आ जा t इक्वल टू हाफ पे वेलोसिटी चाहिए, तो t हाफ पुट कर तो हाफ का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, ये तेरा 6, ये 1/2, ये तेरा क्या है +4, ये तेरा भैया कितना है 3/2, ये तेरा कितना है 3, ये कितना है तेरा 4, तो डियर 4, 4 और 1.5 कितना हो गया 5.5, 3 गया कितना बच गया 2.5, आंसर क्या आ गया भाई 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके थैंक यू। हाँ डियर क्वेश्चन नंबर 34 भाई, 34 एक अच्छी प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्ट देख के आंसर निकाल दे इसके, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है सेकेंड है फिर तो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं सही है, क्वेश्चन देखो क्या है, वो कहता है कि पार्टिकल है जो एक्स इक्वल टू 6t² - t³ के अंडर में काम कर रहा है। अब वो कहता है टी इक्वल टू जीरो पे एक्सीलरेशन 12 है, तो दोस्तों इसका मतलब इसका आपको क्या निकालना, एक्सीलरेशन निकालना, आ जाओ जी, तो देखो थोड़ा साथ दो, ये क्या है 6t² - t³, एक बार आप इसको करो डिफ्रेंशिएट तो dx इक्वल टू dt क्या होगा 12t - 3t². अब दोस्तों उसको एक बार फिर करो डिफ्रेंशिएट dx² dt² इक्वल टू क्या आएगा 12 - 60। अब अगला साफ कहता है 12 - 60, ये कौन है इसका एक्सीलरेशन है, कितना 12 - 60। अगला कहता है टी बराबर जीरो पे, तो टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ये आपके सामने सामने ए की वैल्यू क्या आ गई 12, तो पहला सही हो गया। अब वो कहता है इसका 4 सेकंड पे मैक्सिमा है, आप जानते हो मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने का एक तरीका होता है dx/dt = 0। क्या है dx/dt, ये देख दोस्त 12t - 3t² = 0, ये ले भाई मेरे, तो ये तेरे सामने क्या है 12 - 3t = 0, तो ये सामने t इक्वल टू किस पे आ गया 4 पे, ले t इक्वल टू 4, बिल्कुल सही बात है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। देखो मैक्सिमम मिनिमा चेक करना याद करो, मैंने जब कराए थे प्रीवियस सॉल्यूशन ना तब पढ़ा मेरा क्वेश्चन, वो फिर सुन लो, मैक्सिमम मिनिमा चेक करना हो तो मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो dx/dt = 0 करके चेक कर लो उसको, ठीक है थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन 35 एक बेसिक क्वेश्चन है 1D का, ठीक है ना, इसका भाव समझो क्या कहता है। एक गाड़ी रेस से चली, पहले वो 10 सेकेंड तक 2 मीटर पर सेकेंड² के चलती है एक्सीलरेशन से त्वरण से, फिर वो 30 सेकंड तक चलते हैं कांस्टेंट स्पीड से, फिर ब्रेक लग जाते हैं, कितने ब्रेक 4 मीटर पर सेकंड² के मंदन से, और गाड़ी रुक जाती है, तो वो कहती है कि रुकने से पहले इस गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। रुपेश खाली करें भाई, देखो डियर आपको सबसे बड़ी चीज ये कि इसका कर्व बनाना बहुत जरूरी, इसका कर्व ऐसे होता है, ये तो सारा खेल इसमें कर्व का ही है बस, कुछ नहीं इसके अलावा। देखो ए से बी गई, फिर बी से सी गई और सी से डी पे आके रुक गई, बस थोड़ा सा इसमें ये ध्यान दे, ये कितना है 10, ये कितना है 30, कौन है भाई समय। ओके डियर अब एक काम कर, एक एरिया इसका, एक एरिया इसका, एक एरिया इसका, इस एरिया को मैं S1 कह दूं, इस एरिया को S2 कह दूं, इस एरिया को S3 कह दूं, तो सबसे पहले तो देख भिड़ू पथ AB पर आ, तो पथ AB पर v = u + at, v कितना है निकालना है, u क्या है 0, a कितना है अगला साहब कहता है 2, क्वेश्चन देखो ये रहा 2, आ जाओ वापस आ जाओ 2, t कितना है भाई 10, तो दोस्तों v का मान क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड, यानी ये पॉइंट क्या हो गया रे ओ लड़के, ये पॉइंट क्या हो गया 20, यानी ये डिस्टेंस क्या होगी 20, ये क्या है 10, तो s1 क्या हो गया, आ जा s1 की वैल्यू हाफ 10 × 20, ये तेरा कितना हो गया 5, तो S1 का मान क्या आ गया 100, ओके। अब तू S2 पे आ जा, S2 तेरे सामने सामने है यार, एक आयत है, तो ये डिस्टेंस क्या है 20, ये क्या है 30, तो सीधा करो तेरे लिए 20 × 30, तो S2 की वैल्यू क्या आ गई रे 600। अब डियर इसकी निकालनी है, तो इसका ये समय नहीं पता अपने को, कोई दिक्कत नहीं, यहां स्पीड क्या है गाड़ी की 20, यहां स्पीड क्या है 0, किस डायरेक्शन से 4 से, ओके, तो v = u - at, अंतिम वेलोसिटी क्या हो इसकी 0, u क्या है 20, a क्या है 4, t क्या है, ये ले भैया, तो t का मान क्या आ गया 5, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई 5, तो व्हाट इज s3 हाफ
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20, तो ये तेरे सामने 10, ये 50, ये 600, 600 एक 750, 750 क्वेश्चन निकाले भाई, ये लो जी 750 आंसर आ गया आपका, ठीक है, थैंक यू। हाँ डियर, 36 क्वेश्चन वो है जिसका मैंने तेरे को डेरिवेशन कर दिया थोड़ी देर पर, वो ये देखो, एक वस्तु विराम से 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से प्रारंभ होती है, 5 सेकंड पश्चात 5 सेकंड के लिए त्वरण की दिशा से उत्क्रमित कर दी जाती है, यानी दोस्तों 5 सेकंड त्वरित हुई, 5 सेकंड मंदित हुई, वापस आके रुक गई, ये वही गाड़ी है। देखो सुनो, गाड़ी खड़ी है, 5 सेकंड त्वरित, फिर उसी मंदन से, उसी त्वरण से मंदित कर दिया। अगला कहता है विस्थापन है, भैया अब दोबारा क्यों पढ़ाऊं, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई क्या होता है, टी स्क्वायर कर दूं, हाफ, अल्फा कितना है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 2 में जोड़ा 4, टी कितना भैया 10 सेकंड, 5 5 10 हो गया ना, तो कितना हो गया 100, आंसर क्या आ गया 50 मीटर। थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन 37 सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ए और बी दो वेक्टर दिए हैं और वो परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर मतलब जानते हो, ए डॉट बी इक्वल टू 0, सीधा कर दूं, देखो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आया -8, ले कलर चेंज कर ले, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +12, के को के से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा +8, अल्फा इक्वल टू 0, तो ये तेरा क्या बचा 4 +8 अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू -2, इसका आंसर आ गया दोस्तों 4th, ठीक है, थैंक यू। 38 क्वेश्चन जो है ना, उसके पहले आप कॉन्सेप्ट देख लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो पूरा क्या है दोस्तों। एक ट्रेन में कोई बंदा बैठा है, उसने सिक्का उछाला, ट्रेन की स्पीड वही रहेगी तो सिक्का आपके हाथ में आएगा, आपने सिक्का उछाला अचानक ट्रेन की स्पीड बढ़ गई तो सिक्का आपके पीछे गिरेगा, आपने सिक्का उछाला फिर ट्रेन की स्पीड धीरे होगी सिक्का आपके आगे गिरेगा, क्योंकि सिक्का की, सिक्के की स्पीड तो वो रहेगी जिस समय आपने उछाला तब ट्रेन की स्पीड क्या थी, बस वही क्वेश्चन है। वो कहता है इतनी चाल चलती हुई एक ट्रेन की चाल गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, धरती घूमने के प्रभाव नगण्य मान लें तो सही विकल्प चुनिए, गेंद को फेंकने के बाद ट्रेन को एकदम से रोक दिया जाए तो गेंद के नीचे आने पर गेंद को पकड़ा जाएगा, नो, यदि ट्रेन रुके नहीं इतने से कम चाल से गति करे तो गेंद के नीचे आने व्यक्ति को पकड़ जाएगा, यदि ट्रेन 60 किलोमीटर के पर ज़्यादा चाल से गति करे तो गेंद के नीचे आने व्यक्ति गेंद को पकड़ लेगा, यदि ट्रेन उसी चाल से गति करे, भैया ये है रहा, इसका आंसर है 4th, ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 ये विमा का बेसिक क्वेश्चन है भाई, ये आपको नहीं आता तो मैं मानता हूँ डायमेंशन पढ़ी नहीं। देखो हम सब जानते हैं वी इक्वल टू AT + BT² आप दोस्तों, इसकी ये वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन भी किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के बराबर है, और इसकी भी किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के बराबर, कि दोस्तों समय में समय जुड़ता है, वेग में वेग जुड़ता है, दूरी में दूरी जुड़ती है, बात सीधी सी बात है, तो BT² की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है, वेलोसिटी के, तो BT² इक्वल टू वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, m₀ l₁ t₁, तो दोस्तों b इक्वल टू m₀ l₁ t₁ / t₂, तो दोस्तों b इक्वल टू m₀ l₁ t₃ आंसर हो गया, थैंक यू। देखो डियर 40 जो है वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कहता है 3 सदिश ABC का सदिश योग शून्य है, आप जो तो दोनों त्रिभुज का नियम है, 3 सदिश का वेक्टर का जोड़ सम तभी होता है जब वो एक प्लेन में हो, तो एक प्लेन का मतलब IJ में हो सकते हैं या J और K में हो सकते हैं या K और I में हो सकते हैं, बस। तो अगला साहब कहता है CIJ के तल में है, सीधी सी बात ही है भाई, इसका आंसर होगा फर्स्ट, ये सिंपल त्रिभुज का नियम होता है, ठीक है, थैंक यू। हाँ डियर क्वेश्चन नंबर 41, इसमें आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, ठीक है, आज पूरी बात करते हैं लो, वेक्टर ए डॉट इक्वल टू है i कैप + j कैप और कोई वेक्टर बी है वो है j कैप + k कैप। दोस्तों जब भी एंगल निकालना हो ना तो हमेशा ही हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो अपन जानते हैं ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, ओके डियर, तो आपको क्या चाहिए, कोस थीटा चाहिए ना, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या है भैया, ए डॉट बी इक्वल टू ए का रिजल्टेंट और बी का रिजल्टेंट, ए डॉट बी तो क्या है, आई आई नहीं है, बस एक हो गया, इसका √2 √2 1/2, कोस थीटा का मान 1/2 किसका होता है, 60 का होता है, ओके डियर,
थैंक यू। हाँ डियर, भी एक वेक्टर की ठीक सी प्रॉब्लम है। अगला कहता है कि ए बी सी आर वेक्टर्स ईच हैविंग मैग्नीट्यूड, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए विल बी, क्या होगा? देखो भाई, अगला साफ कहता है ए प्लस बी, भाई मैं इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगाऊंगा, बार बार वेक्टर बहुत टाइम वेस्ट होता है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू भी जीरो। ठीक है जी, आ जाओ शुरू हो जाओ। अब अपन जानते हैं, यहाँ थोड़ा सा अपन चाहें तो वेक्टर लगा दें, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए इक्वल टू जीरो, ये तरीका हो गया। ठीक है, अब ए डॉट ए क्या है? वन। क्यों वन? क्यों? अगला साफ कहता है उनका यूनिट मैग्नीट्यूड है, ए प्लस ए वन, बी प्लस बी वन, सी प्लस सी वन, प्लस टू बाहर ले ले, टू बाहर ले लिया तो तेरा क्या है ए बी, बी सी, सी ए इक्वल टू क्या डियर? जीरो। तेरे को अगला क्या पूछता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। तो ये तेरे सामने तीन हो गए ना, तो देख तेरे सामने ये टू, तू कह तेरी भाषा में कह दूं अब इसको, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू क्या है? माइनस थ्री। इसकी वैल्यू चाहिए तो माइनस थ्री बाई टू, ये आंसर आ गया माइनस थ्री बाई टू। ओके डियर, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, ये फिजिक्स पंच का फर्स्ट पेपर जिसमें टोटल 42 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्यूशन करके दिया है। मैं फिर से कहता हूँ, ऐसे हमने पूरी फिजिक्स के 20 टॉपिक बना रखे हैं, ऐसे 20 लेक्चर आपके पास आएंगे जब तक लॉकडाउन चलता है या उसके बाद रहेगा, तो आगे हमें डेटा तैयार करें तो आगे काम आता रहेगा। तो आप देखो इसमें वनडी वगैरह के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नदी नाव के क्वेश्चन इसमें आगे, वनडी क्वेश्चन आगे, डायमेंशन के आगे, एरर के आगे, सब के आगे। ओके डियर, तो आज डेट है 30 अप्रैल 2020 को शूट हुआ है, और दोस्तों अतिशीघ्र ही आपके पास ये 1 या 2 मई तक आपके वेबसाइट पे, सेल्स सीकर के फेसबुक पेज पे, सेल्स सीकर के यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग अभी लॉकडाउन के अंदर हैं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 30 अप्रैल 2020 को, जेई और नीट 2020 के बच्चे अपने घरों पे हैं, वो टेस्ट दे रहे हैं, और नए बैचेज दोस्तों आप सब जानते हो ऑनलाइन क्लासेज अपने स्टार्ट हो चुकी हैं, 8th 9th 10th प्री फाउंडेशन, 11th 12th फाउंडेशन, और टारगेट के सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। अगला बैच आपकी सेल्स स्टार्ट कर रही है 7 मई से। इसके अलावा स्कूलिंग के लिए भी 10th और 12th स्कूल लेवल पे आरबीएससी और सीबीएसई दोनों की क्लासेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान बोर्ड की क्लास हम 30 अप्रैल शुरू कर चुके हैं, 7 मई से सीबीएसई बोर्ड की क्लास शुरू होने जा रही है दोनों मीडियम में। ओके डियर, इसके अलावा कोई दिक्कत हो आप मेरे से बात करें 9992873888। दोस्तों किसी भी बात के लिए आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।